टर्की का कहते हैं कि पैक्ट खत्म होने लगा है वो ब्रिटिश के साथ तो देर इज़ चांस के क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और मे बी एन एटॉमिक वॉर हो कुछ लोग वो हदीस लेकर आते हैं कि इट विल ऑल स्टार्ट विद अ स्मोक क्या कुछ लोग हैं जो श्या के साथ इंटरेक्ट करते हैं पूजा करते हैं हमें एविडेंसेस हैं इन चीज़ों के कि बहुत ज़्यादा लोग हैं बहुत बहुत पावरफुल लोग हैं जो कि शयातीन से मदद लेते हैं एक्सेट्रा टॉप पे लोग हैं जो कि डिसीजन मेकर्स हैं मैं समझता हूँ उनका जो ताल्लुक है ना वो ये शयातीन के साथ है ताल्लुक कोई ना कोई तारीख जो है ना स्टार्ट विद वी वर वो एक हदीस में मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीस तजाल होंगे एक बात बहुत क्लियर है कि एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है पॉजिटिव और स्कैरी स्केरी है ज्यादा द ग्रेट रीसेट ये आइडिया है कि अब हमें ना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहिए और फिर ये पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात करते हैं फूड सोर्सेज को कैसे कंट्रोल करना है इन्होंने आम आदमी यंगस्टर क्या करे? चले बंकर नहीं बनाने माउंटेंस की तरफ नहीं जाना फिर क्या करे? इस फितने से बचने के लिए जो साइंस हमारे सामने आ रहे हैं जो लोग आज जो है नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो किसी दुनियावी चीज़ की वजह से किसी मटीरियल की वजह से वो भूल जाए कि वो दज्जाल का मुकाबला कर सके जितने मर्जी बंकर बनाया जितनी मर्जी जो है ना एआर 15 राइफलें रखी हुई आपने मुग़रा भाई अहमद भाई देर इज़ अदीस जो कि बड़ी मशहूर है हदीस जब्राहील आसमाम ही यास प्रॉफिट सल व्म फ़ोर कोश्चन अबाउट इस्लाम अबाउट ईमान अबाउट एहसान एंड द फोर्थ क्वेश्चन ही कोश्चन यस इज़ के वट डू यू नो अबाउट द डे ऑफ जजमेंट यानी ये कॉन्टेक्स बता रहा हूँ कि कब आएगा डे ऑफ जजमेंट बहुत से लोग इस हदीस को यूज़ करके कहते हैं कि बाकायदा ये हमारे ईमान का हिस्सा है

एक आम मुसलमान के लिए यंगस्टर के लिए ये जानना कि वाट आर साइंस और रिलेट कितना कर सकता है वो मतलब एक ले मैन की अगर मैं बात करूं क्या कुछ करंट अफेयर्स को देख के वो रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये तो हो रहा है और ऐसा हो रहा है वेयर डू वे वी ड्रॉ द लाइन ये मेरा बेसिकली ये दो सवाल आते हैं शरी वही आपने दो सवाल पूछे हैं Uh, पहला सवाल तो इसकी अहमियत के हवाले से है और दूसरा ये कि क्या हम इसको आजकल के टाइम्स के साथ रिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो जो पहली बात आपने कहा अहमियत के हवाले से तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे दीन में इसका बहुत बड़ा यानी एक पार्ट है आप देखें कि अहदीस की किताबों के अंदर पूरे ववाब मौजूद हैं इस पर किताबें मौजूद हैं हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स की भी मॉडर्न स्कॉलर्स की भी अगर ये टॉपिक जो है इतना इंपॉर्टेंट ना होता तो स्कॉलर्स क्यों इसको अहमियत देते यहाँ तक के वमाय ये कहते हैं कि अशरातुल सा बेसिकली इज़ पार्ट ऑफ साइंस ऑफ द आवर की जो नॉलेज है इज़ पार्ट ऑफ़ बिलीफ इन देयर आफ्टर यानी hmm. आखिरत के दिन पर ईमान का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि जन्नत जहन्नम पर ईमान बल्कि yes. इसके साथ साथ यानी जो इसके साइंस ऑफ़ द आवर हैं उनके ऊपर ईमान लाना है. आ, ये भी उसका पार्ट है तो ऑबियसली यू कैन नॉट हैव अ फेथ अनलेस यू नो अबाउट इट सो यू नीड टू नो अबाउट इट ठीक है ना ये हमारे दीन में बहुत ज़रूरी है और ऑब्वियसली इसकी बहुत सी रीज़ंस भी हैं एक रीज़न तो ज़ाहिर ये भी है कि इंसान अपने आप को उन फितनों से उन चीज़ों से बचा ले अल्लाह के रसूल सल्ला वसल ने बाकायदा गाइडेंस दी है इस बारे में और सहाबा को बाकायदा बैठ के और हदीस में आता है कि एक हदीस बड़ी इंटरेस्टिंग है बट मैं हैरान होता हूँ अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने इसको कितनी अहमियत दी कि साहब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ह वसम ने फजर की नमाज के बाद हमें इकट्ठा किया आप नंबर पर चढ़े और आपने जो है ना शुरू किया बताना साइंस ऑफ द आवर के हवाले से और एक और हद ये से पता चलता है कि आपने यानी क्रिएशन ऑफ़ दि अर्थ यानी जो अल्लाह ताला के आसमान और ज़मीन की जो क्रिएशन है वहाँ से आगाज़ किया और जन्नत और जन्नत जहन्नुम तक अल्लाह के रसूल ने सारे वाकयात बयान किए और उसका तफसील बताई आपने फरमाया कि ज़हर की नमाज़ के लिए आप रुके फिर ज़हर की नमाज़ के लिए आप मंबर से उतरे फिर दोबारा आप नमाज के बाद दोबारा आपने शुरू किया फिर असर के लिए फिर मगरब तक यानी पूरा दिन आपने और सहाबा वहाँ पर बैठे रहे और हजरत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि जिन्होंने आ, उसको याद रखा कुछ याद रख लिया कुछ भूल गए तो बारहल <laughs> लेकिन कहते हैं कि वो जब भी कुछ ऐसी चीज़ होती थी तो हमें याद आ जाती थी हम देखते थे अच्छा ये अल्ला के रसूल सल्ला बताई तो इसमें कोई शक नहीं है इन ये चीज़ हमारे लिए बहुत जरूरी <laughs> है तो ये हमारे दीन का हिस्सा ये मानियात का हिस्सा दूसरी बात आपने जो ये की कि इसको इसकी एप्लीकेशन के हवाले से क्या हम इसको मॉडर्न टाइम्स में अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर उसका फ़ायदा यानी क्या है यानी अगर उसका ताल्लुक हमारी अमली ज़िंदगी के साथ नहीं है तो फिर उसका फ़ायदा क्या है मतलब वाए, 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 वो किस लिए सिर्फ़ जस्ट टू नो तो हमारा दिल तो बड़ा प्रैक्टिकल है इस हवाले से right. और ये हमारा साहबा का मनहज है hmm. सहाबा हर दौर में हमारे उलमा वो बकायदा ये बताते भी रहे और वो अप्लाई भी करते रहे hmm. सबसे बड़ी मिसाल जो है बड़ी फ़ेमस मिसाल है hmm. सहाबा की के इबन सयाद को की जो से जिससे जो दज्जाल से मुतिक अहदीस जो थी वो सहाबा अप्लाई करते थे इबन सयाद के ऊपर सीधी सी बात है अल्लाह के रसूस हम की मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया हालांकि बहुत सी इसमें बहुत कंट्रोवर्सीज भी हैं और इबन सयाद के बारे में कई की राय है कि ही वाज नॉट अ दज्जाल बिकॉज बहुत से ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो कि एक्चुअली यानी वो एक कोहेरेंट जो है ना फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते तो कहने का मतलब उसके बावजूद अल्लाह के रसूल रसलम के सामने सहाबा करते थे और आपने उनको इजाजत भी दी आपने मना नहीं किया इसी तरीके से हर दौर में हम उलमा देखते हैं उन्होंने अप्लाई करते रहे और मैं ये भी बता दूँ बात उनकी कुछ जो एप्प्लीशंस हैं वो गलत भी हो सकती हैं यानी बंदा ये, ये समझे ना कि स्कॉलर्स ने अगर एक किसी चीज़ को अप्लाई कर दिया तो अब वो हरफे आखिर ऐसी बात नहीं मिसाल के तौर पर एक हदीस हमें मिलती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तीस दाल होंगे ठीक है झूठे दाल आएँगे और उससे मुराद जैसे कि उलमा ने बयान किया उससे मुराद है कि यानी झूठे झूठे नबी फॉल्स प्रॉफिट्स तो कुछ उलमा की राय है बड़े बड़े उलमा की क्लासिकल स्कॉलर्स की कि ये हो चुका है और ये सारे आ चुके हैं तो लेकिन ये बात यानी प्रैक्टिकली दुरुस्त नहीं है उसकी वजह यह है कि कई ऐसे द जैसे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जो था जा, जा। वो उन्हीं में शामिल है और यही सही राय लगती है क्योंकि वो इतना बड़ा फितना उसने यानी उसको प्रवोक किया और इस तरीके से द जाल उसी हदीस में जिक्र है कि दज्जाल आखिर उनमें से सबसे बड़ा जो अगुवा हो दज्जाल होगा तो वो भी नहीं अभी तक आया तो ये कहना है कि वो आ चुके हैं सारे ये वाकत सारे हो चुके हैं तो ये उनका इश्ते था तो, तो इसे पता चला कि स्कॉलर्स का इस पर इजतहा इन्वॉल्व है और तो इसमें रूम फॉर एरर भी है यानी हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि इसमें रूम फॉर एरर है लेकिन ये अगली बात फिर इंशाल्लाह ये सवाल चूँकि जवाब मुकम्मल हो गया तो ये अब डिस्कशन आगे भी मज़ीद बढ़ सकती है कि कुछ ने उसूल वज़ा किए कि उसके अंदर एरर को हम मिनिमाइज़ कर सकें हंड्रेड परसेंट कोई बंदा क्लेम करे कि कोई एरर नहीं हो सकता ऑब्वियसली ये गैप की मामलात हैं हम नहीं कर बात कर सकते बट द पॉइंट इज़ हाउ केन वी मिनिमाइज दी एरर उसके लिए कुछ असूल और कुछ प्रिंसिपल्स वज़ा किए हैं इस्टेबलिश किए हैं जो अगर सामने रखे जाएँ तो इंसान बहुत सेफ साइड में एक नरेटिव को जो है वो पेश कर सकता जो अहमद भाई दटें Uh, of knowing about this uh, day of, uh, signs of the day of judgment and uh, uh, ek ek layman ke liye what do you think कि कितना important hai uh, aur uh, wahi sawal ke uh, what what's the you know uh, guideline with regards to interpreting some of the signs minor signs especially आजकल हम बहुत videos देख रहे YouTube पे मतलब uh, there are so many interpretations कि हाँ ये तो हो गया ये तो हो गया और ऐसा हो रहा है और ऐसा हो रहा है तो वट डू यू थिंक कि क्या ये अप्रोच ठीक है देखिए अली भाई इम्पोर्टेंस के मामले में तो मुगी भाई ने बड़ी क्लियर बात कर दी कि यानी ओलामा तो इसको ईमान बिल आखिरा के साथ जोड़ते हैं कि जन्नत जहन्नम में ईमान के साथ इसका भी एक हिस्सा है कि यानी आप इसके साइंस में साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट में भी आप बिलीव करें और फिर ओलामा ने उनको कैटेगराइज भी किया माइनर साइंस में और मेजर साइंस के अंदर तो इम्पोर्टेंस तो उसकी बड़ी में सॉरी बिलीफ में कॉन्टम्पलेट करना भी आता है कि बहुत गहराई में कॉन्टम्पलेट किया जाए इन ऑर्डर टू रीच अ कंक्लूजन हाँ सो so, उस, उसके ऊपर आते हैं कि इसकी तत्बीक जिसे कहते हैं एप्लीकेशन जो है वो कैसे की जाए और आज के हालात के साथ जो है उनको कैसे जोड़ा जाए कैसे यू नो कंकलूजनस ड्रा की जाए वो मुग़ी भाई ने भी मैंशन किया कि उसके कुछ उसूल ओलमा ने बयान किए तो वो मुगीरा भाई भी शेयर करेंगे आपके साथ लेकिन मैं आपको ना एक आ, आम अ, अंदाज के अंदर ना जो अवामी अंदाज है उसके अंदर मैं आपको शेयर करूँगा कि यू नो हमें किस किस लेंस के थ्रू इस चीज़ को देखना चाहिए देखें रसूल वसम की पेशन गुयाँ हैं और बहुत ज़्यादा हैं और कुछ के बारे में हम कह सकते हैं कि बड़ी क्लियर हैं जिसमें रसूलुल्लाह रसूल सल वसलम बहुत क्लियर अल्फाज यूज़ किए और उनकी जो तदबीक या एप्लीकेशन है वो बड़ी आसान है कुछ हो सकती हैं जिसमें अल्फाज जो हैं वो शायद इतने क्लियर नहीं हैं और उनकी जो इज इज़ रूम फॉर इंटरप्रिटेशन जहाँ पर रूम फॉर इंटरप्रिटेशन होती है वहाँ पर इश्तहा शामिल हो जाता है एंड जब भी इश्तहाद होता है तो इश्तहाद में और एक कती नस्म के अंदर बड़ा फ़र्क है यानी एक जो की आयत है जो बिल्कुल महकम है बिल्कुल क्लियर कट है और एक आलम के इश्तिहाद में दोनों में बड़ा फ़र्क है एक जो एक चीज़ जो है वो सर्टन नॉलेज है हुँ, हुँ, एक हुँ। जो है वो एक एकट ओपिनियन है यानी जो आ, टेक्स्ट से एकस्ट्रापोलेट किया गया यानी इस्तलाल जिसे हम कहते हैं उससे इस्तलाल किया गया ठीक है तो इन दोनों में फ़र्क है कभी कभार जो हमारे यहाँ गलती हो जाती है वो ये होती है कि लोग जो इजतहादी ओपिनियन है उसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं है। इस वसूख के साथ इस सर्टेंटी के साथ कि जैसे वो कुरान की एक बिल्कुल महकम आयत है बिल्कुल ठीक एंड उससे बड़ा ख़तरा होता है एंड देखिए खास तौर पर इस सब्जेक्ट के मामले में अशरात के मामले में साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट के मामले में क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा अटेंशन hmm. नौजवानों की स्पेशली एंड hmm. hmm. ये ऐसी एक फील्ड uh, है कि दैट कॉल्स यू टू एक्शन एज वेल इसके ऊपर लोग बड़े बड़े फैसले भी कर लेते हैं एंड hmm. हमने देखा अगर आप तारीख देखेंगे रिसेंट हिस्ट्री भी और उससे पहले भी इसकी इंटरप्रटेशन की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ ऐसे? Hmm. बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है hmm. क्योंकि लोगों ने उसको उसके स्टेटस से बहुत ज़्यादा शायद इंपॉर्टेंस दे दी या उसको वो सर्टनटी दे दी वो वाली जो वो डिज़र्व नहीं करती थी सर्टनटी क्योंकि एट एंड ऑफ द डे जब आप तदबीक करते हो यानी जब आप उन रिवायात की एप्लीकेशन अपनी करंट टाइम्स में करते हो तो मेजोरिटी ऑफ़ द टाइम्स वो एक इश्हा की बुनियाद पे हो रहा होता है हुँ, हुँ, तो उस इश्तेद को उधर ही कंजर्वेटिव रखना चाहिए बजाय ये कि कहना कि यार यही है और यही बात हो रही है जो आयत है या जो हैदीत है वो यही बात कर रही है और इसमें कोई डाउट नहीं है तो जब लोग इस तरह प्रजेंट करते हैं तो देखिए नौजवान तो बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं नौजवान रायलाप भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं हम भी जब शुरू शुरू में दीन की तरफ आए थे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें थी मैं आपको मिसाल देता हूँ जैसे रिसेंट हिस्ट्री के अंदर जो दाइश का वाक़ है आइसिस जो है आईसीएस का जो फिनोमेना हमने देखा है, आईसीएस को मजोरिटी किन लोगों ने ज्वाइन किया नौजवानों ने mm -hmm, mm -hmm. नौजवानों ने समटाइम्स इवन न्यू कॉन्वर्ट्स जो कि इस आइडिया ऑफ द डे ऑफ जजमेंट इज नियर साइंस सारे हमें नजर आने लग गए हैं ब्लैक फ्लैग्स निकल आए हैं द जाल के लिए हमने तैयारी करनी है एंड आप देखेंगे आईसीएस का पूरा रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है Hmm. वो इसी चीज को कैश इसी कर उसी तरह अब दाबिक वगैरह उनका मैगजीन जो निकलता था, था वो भी उसी को देख रहा है सब तो वो बेसिकली नौजवान जो है वो सोच रहे हैं कि हम अब जाके एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन करने लगे हैं जो हजरत ईसा की मदद करेंगे ठीक है एंड देखिए उनके अंदर लेवल ऑफ इस लेवल के ऊपर है कि वो अपनी फैमिली छोड़ देते हैं वो जान दे देते हैं इस चीज के <laughs> लिए सो यू नो अच्छा ये सिर्फ एक वाकया नहीं है दाइश वाला नाइनटीन <laughs> में जोहेमान वाला इंसिडेंट जो था जिन्होंने काबा में बेसिकली असलह लेके गए थे और एक सीज क्रिएट कर दिया था हॉस्टेज रख लिया था काबा को उन्होंने वहाँ पे तो रुक गया था वो उनकी क्या मोटिवेशन थी सही उन्होंने सरी. यही तदबीक की हुई थी उन्होंने यही एप्लीकेशन जो है जो कि हमें अहदीस के अंदर मिलती है उसको अप्लाई इस लेवल ऑफ सर्टनटी के साथ किया और इस लेवल ऑफ अपनी सर्टनटी को आगे अपनी दावत के अंदर वो किया कि लोगों ने उसको ज्वाइन किया और फिर इतना नुकसान हुआ अच्छा ये मैं आपको सिर्फ रीसेंट हिस्ट्री बता रहा हूँ इससे अगर आप पीछे चलेंगे इब्न कतीर ने व नहाया में फॉर एग्जांपल लिखा कि जब ये मंगोल्स आए थे तो लोगों ने समझना शुरू कर दिया एंड जब उन्होंने इसकी इसकी जो है इंटरप्रिटेशन इस तरह की तो उन्होंने कहा हम तो लड़ ही नहीं सकते अब तो वो एक डिफीटिस मेंटेलिटी पहले ही आ गई उसके अंदर तो वो वो दे एबल टू डिफेंड दम सेल्फ क्योंकि उन्होंने उनको इतनी पावर दे दी थी अपने जहन के अंदर इसी तरह कुछ लोग जो, हैं, हैं, आ, कुछ, आ, example, जो आ, है क्रिटिसाइज़ करती है कुछ मुसलमानों को फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेकुलर हैं वो मुसलमानों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अशरात साहब को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये जो है पैसिफिस्ट बन गए हैं कि ये इंतज़ार करें कि मेहदी आएगा तो इनके लिए कुछ होगा तो सारे जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए सो हमें ना इन रिवायात से हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए अपनी तारीख से कि ये जब इनकी एप्लीकेशन हम करेंगे मौजूदा ज़माना के अंदर तो कुछ असूल व कवायद होने चाहिए इनके जरिए हम देखें वरना काफ़ी नुसान होता है आई गेट योर पॉइंट मैं आप दोनों से मैं ना थोड़ा खुल के पूछता हूँ देखें साइंस ऑफ दी आवर में ना मतलब कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं हदीस में ज़ाहिर है जिसको वो हम कहते हैं ना कि एक कुछ लोग कहते हैं सिम्बलज़म है या हिडन लैंग्वेज है उसको डिकोड करना जैसे आ, कुछ लोग ये जो हदीस है कि स्लेव गर्थ टू हर मास्टर अब वो कहते हैं कि जब तक हम इसको डीपली एनालाइज नहीं करेंगे ना एक तो इसको, इसको इस तरह एनालाइज किया जाता है कि बच्चे बदतमीज हो जाएंगे वो मास्टर बन जाएंगे उसके लेकिन इसको सरोगेसी के हवाले से भी एनालाइज किया हाँ, जाता है कि देखें सरोगेसी में आप हायर करते हैं एक खातून उसका वोम और वो बायोलॉजिकल मदर नहीं है वो सिर्फ वो बर्थ वाली मदर है तो वो इट इज जस्ट लाइक हायरिंग अ स्लेव गर्ल एंड शी इज़ गिविंग बर्थ टू समन हु इज़ हर मास्टर तो ये ये देखें इस तरह कॉन्टेम्पलेट करना ताकि मजीद वाजे कर दें हम लोगों को कि देखो ये चीज़ तो आ गई है हमारे सर पर खड़ी हुई है तो नाउ यू शुड प्रिपेयर अली भाई अगर आप इसको इस तरह जोड़ते हैं और ये एक ओपिनियन प्रजेंट करते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है अच्छा लेकिन अगर आप अपने अंदाज से इसको ऐसे प्रेजेंट करते hmm, हैं कि ये ही, है। ये ही है और कुछ भी नहीं है तो फिर आप ना एक सर्टेनिटी वही नाटीट हाँ अनफॉर्चुनेटली इंसान जो है ना वो इग्नोरेंट है फिर सही, सही, क्योंकि देखें आ, जो ये सरोगसी वाला जो अभी मामला है hmm. ये एक जदीद जमाने का मामला है yeah, yeah. आज से लट से फिफ्टी ईयर्स पहले सिक्सटी ईयर्स पहले ये जब फिनमना एग्जिस्ट नहीं करता था तो हो सकता है को, कोई कोई ओल्मा जो हैं या कुछ जो लोग हैं वो इस तरह इसको देख रहे हैं और उस सर्टेनिटी के साथ प्रेजेंट कर रहे हो तब हाउ डू यू नो कि कल कोई और रियलिटी नहीं आ जाएगी जिसमें वो बेहतर बैठने लग जाएगी हदीस सो द थिंग इज़ कि इंसान जो है ना उसको पता होना चाहिए कि जो ज, जो मैं आ, नस को जिसको देख रहा हूँ मैं और उसकी जो मैं इंटरप्रटेशन निकाल रहा हूँ इसके अंदर जो है ना एक रूम फॉर एरर है हुँ, हुँ। ठीक है ना अब कुल हु अहद को आप डंके की चोट पे कहें आप ओसूख के साथ कहें और इसमें कोई शक नहीं है बिकॉज यू है एक तो ये नस है कुरान की जिसके अंदर जो महकम है

यही देखें ये यह जो आपने हदीस की है ना एक प्रिंसिपल ये है एक प्रिंसिपल ये है कि जब भी आप इस तरह की अहादीस को जिक्र करें तो कोशिश करें कि सारी अहादीस जो उससे मुतल हैं उनको सामने रखें ठीक है फिर आपको मीनिंग ज़्यादा बेहतर समझ आएगी ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि मैं एक हदीस में आते हैं एक हदीस में ये लफ्स हैं यनी अल्फाज जो आपने जिक्र किए और दूसरी हदीस में ये अल्फाज हैं कि अन तले मर अतु रब ये भी अल्फाज है कि एक औरत अपने मास्टर को हुँ, हुँ, अपने हुँ, मास्टर को हुँ, वो करेगी पैदा करेगी, पैदा करेगी। और रब्बा का जो लफ्स है अरबी जुबान में बाज़ात बाल के माने में भी इस्तेमाल होता है बाल कहते हैं शोहर को तो बाजू माने ये भी ये भी मतलब ये भी रूम है इसमें तो अब इसका मतलब है ये भी मतलब बनता है कि जी एक अपने एक औरत अपने शोहर को पैदा करेगी तो अगेन वही वाली बात है जो ये सारी जब अहादीस हम देखते हैं इसीलिए ने इसको कोई छः सात मानी जिक्र किए हैं तो अगेन वही वाली बात है कि जब हम कॉन्टम्पलेट करें तो द पॉइंट दर आई एम ट्राइंग टू मेक है उसके अहमद भाई वाली हम एक तो सामने रखें और प्रिंसिपल जब सामने होंगे तो ये चीज़ें मसले तंग नहीं करेंगी हमें ये चीज़ें ना परेशान नहीं करेंगी आपने पॉसिबिलिटीज़ जब देख ली कि यार अगर इस तरह भी ये अल्फाज भी हैं तो उससे मतलब क्या होगा कोई बंदा इसे माना ये मुराद ले सकता है अल्लाह माफ़ करे कि यानी इंसेस्ट के रिलेशंस बहुत कॉमन हो जाएंगे तो मतलब ये भी मीनिंग आ जाता है सही, तो अगेन एक मीनिंग हो सकता है ये ज़्यादा मैटर कर रहा हो तो अगेन देर इज़ अ रूम फॉर मल्टीपल थिंग्स राइट और इसके साथ साथ और भी इसके मानी वामा ने जो बयान किए हैं वो बहुत जो है ना वो बड़े क्लोज पता चलते हैं तो कहने का मतलब ये है कि एक तो प्रिंसिपल हमें ये देखना चाहिए कि ये प्रिंसिपल के बगैर अप्रोच नहीं हमें यूज़ करनी चाहिए और इस तरीके से अहमद भाई ने एक और मैं कमेंट करूँगा जो शुरू में इन्होंने बात की पहले कि एक प्रिंसिपल ने भी बयान किया है वो कहते हैं कि व तंजील जल्दी नहीं करनी चाहिए अच्छा असल में ये वाला मसला है जैसे इन्होंने बयान किया ना कि जल्दी करना कि तो एक जम्पिंग टू द कंक्लूजन कि आपने एक एक इंसिडेंट से इतना इन्फ्लुंस हुए कि आपने कहा कि यार ये बड़ा इतना बड़ा इंसिडेंट है जरूर इसके बारे में कोई ना कोई गवाही होगी जैसे मिसाल के तौर पर नाइन की कुछ ना कुछ जरूर कुछ ना कुछ हदीसों में होना चाहिए देखा और उसको आपने पीछे से अपलाई किया हदीस के ऊपर होना ये चाहिए कि आप हदीस को देखें और उसके बाद देखें अच्छा ये कहाँ पे मिल है बेहतर अप्रोच है तो बहुत से लोगों ने मतलब ये नाइन इलेवन के बारे में किया कुछ हदीसें वो निकाल दी गई वो एक परिंदा होगा वो जाके वो लगेगा तो ये देखें जी हदीस में आ गया और इसे तो हालांकि जरूरी नहीं है देखें हमें नहीं पता तो ये सारी चीजें जो अगेन कोहेरेंट एक फ्रेमवर्क तब आपका बनता है जब आप इन हुँ उसूलों हुँ को सामने रखते हैं जो उलमा ने बहुत ध्यान से जी और बड़ी मसा... ये मसाइल को देख के ही उसूल वज़ा किया वेरी माशा कॉम्प्रेंसिव और इस पर मैं बताता चलूँ ऑडियंस को कि आपका तो पूरा है वो एक शो इस पर डिस्कोर्स का कि साइंस ऑफ द डे ऑफ आवर को हमने कैसे अंडरस्टैंड किया और अप्रोच क्या होनी चाहिए तो मैं ऑडियंस को वहाँ डायरेक्ट भी करना चाहूँगा नाव देखें ये तो एक्डेमिक डिस्कशन है अब कमिंग टू सम वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन अभी बड़ी एक चीज वायरल हुई बड़ी फेमस हुई इट्स ऑल ओवर द फेसबुक के एक हदीस है कि कयामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक द लैंड ऑफ अरब्स विल टर्न ग्रीन ऐसे रिवर्स और मेडोज और ग्रीनरी वहां पे आ जाएगी आप तो अभी उमरा भी करके आए हैं बल्कि आपने मुझे बताया भी कि बता मैंने तो खुद देखा कि वो जो उनका शायद हाईवे का पैसेज है वहां पे माउंटेंस हैं दे आर लश और वो मैंने पिक्चर्स भी देखी हैं ये बहुत एक हॉट इशू आजकल है कि दिस शोज़ के टाइम इज़ नियर एक और चीज़ भी रिलेट कर रहे हैं लोग आ, के वसल्लम ने फरमाया पता नहीं हदीस ऑथेंटिक है ये आप लोग बताइए कि माउंटेंस में होल्स क्रिएट किए जाएंगे मक्का के माउंटेंस में और उसको कहते हैं टनल्स जो बने हैं वो एक बहुत बड़ा साइन है बल्कि ये, ये हमारे एक आलम दीन है उन्होंने ये हदीस बयान की थी जब हम उमरा करने गए थे हम ग्रुप में गए थे मोहम्मद बिन तारिक की बात करो उन्होंने ये बयान किया था कि ये भी वन ऑफ द साइंस तो खैर एनी वे मैं पूछना देखिये ये इतना क्लियर साइन है इफ़ यू टेक इट लिटरली सवाल मेरा ये कि एक होता है ना पर्सनल ओपिनियन माशाल्लाह आप दोनों इल्म के साथ जुड़े हुए एक पर्सनल ओपिनियन भी होता है कि यार हाँ नाउ वी कैन से ए टाइम इज़ वेरी नियर आपका पर्सनल ओपिनियन ये सारी चीज़ें देखते हुए क्या है?

तो यही मतलब है कि मेरे लाइफ में। हाँ सो सो देखिए ना अगर आप रिवायात को देखेंगे ना उसमें जब क्योंकि हमारे जो अशरत है उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना भी जो है ना वो एक साइन में से है, है। के फौत होना भी एक साइन में से इसी तरह बाकी साइंस भी है बल्कि नबी ना और इसका क्या मतलब है बहुत करीब है लेकिन फिर भी कितने साल हो गए चौदह साल फोर्टीन प्लस प्लस ठीक है सो आई थिंक टू गिव इट अ टाइम लाइन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड देखें जब जबरी ने आके रसोल से पूछा पहले अशरात यानी उन साइंस के बारे में नहीं पूछा पहले डे ऑफ जजमेंट के बारे में पूछा और रसोल्लासम ने क्या जवाब दिया कि जो पूछ रहा है और जिससे पूछा जा रहा है दोनों को नहीं पता तो हम भी जब कहते हैं ना कि करीब है टाइम तो आई डोंट नो डों मतलब क्या उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि कैन वी सी स्ट्रेंज थिंग्स जी फ्राम आर ओन आइज इन दिस एज कैन वी सी दो थिंग्स जो हदीस में बयान है अच्छा तो देखें आ, मैं अगर आप जैसा अगर मेरे से आप पर्सनली पूछेंगे ना मैं पर्सनली ना इसको आ, नहीं समझता कि ये इतना करीब है कि लेट से कि मेरी ज़िंदगी के अंदर होगा या एट लीस्ट आई वॉन्ट टू मेरी ज़िंदगी बनी हो मैं आई एम नॉट द आइडिया के यार काश ये हो और मैं भी देखूँ क्योंकि मुझे पता है कि और जिस तरह हर अल्लाह तला के नबी ने इस hmm. फितने से डरा है hmm. तो मैं तो मेरी तो एक uh, विशफुल थिंकिंग और चाहत यही होगी कि यार मैं और मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है ना उसको ना देखें लेकिन क्या ये होगा कि नहीं मेरी लाइफ टाइम में या मेरे बच्चों की लाइफ टाइम में आई हैव नो आइडिया अभी मैं यूट्यूब पे ना एक किसी ने वो क्लिप बनाया था तो मैंने क्लिप देखा नहीं लेकिन उसके थमनेर में था द अराइवल ऑफ द द जाल इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इसी तरह मैं एक मेरा एक दोस्त है बड़े उसको क्लोजली मैं जानता हूँ वो एक्चुअली बिलीव करता है कि यार बस अहमद भाई चार पाँच साल की बात है सही। चार पाँच साल की बात है नहीं, नहीं। मैं उसको देखिए मैं उसका इनकार नहीं करता आई एम नॉट से नहीं हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल है मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता एंड आई डोंट नो कि लोग इतनी श्योरिटी से कह भी कैसे सकते हैं कि करीब है टाइम या इतना करीब है कि मेरी लाइफ टाइम के अंदर होगा आपने पूछा कि क्या हम अनयूजल अकरेंसेज इस तरह आपने क्या कि हम नहीं देख रहे हाउ डू वी नो कि आज से सौ साल पहले लोग नहीं देख रहे थे हाउ डू वी नो सो so, uh, मेरे लिए इतना इतनी श्योरिटी नहीं है इस चीज़ के अंदर इवन दो अगर मैं इसको आई थिंक वो सेंसेशनलाइजेशन क्रिएट बहुत ज़्यादा चीज़ बहुत करती है ये चीज़ hmm. लेकिन मेरा नहीं ख्याल के अल्लाह ताला बेहतर जानता है हूँ लेकिन देखें ना स्ट्रेंज चीज़ें तो हम देख रहे हैं एआई की फील्ड ले लें आप आप जो है वो पूरा कंप्यूटर साइंस की फील्ड ले लें हाउ डज दैटीड हाउ डज दैट मीन के करीब है AI, AI, चले, है चले नहीं है लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ और कुछ आप हाँ। इसमें थोड़ा सा एक एडिशन करना चाहूँगा देखिए मैं समझता हूँ कि जैसे अहमद भाई ने कहा ना कि एक सेंसेशन है लोगों mm -hmm, में और आपने शायद सवाल इसीलिए किया कि वी आर लिविंग इन टाइम्स जहाँ पे हर चीज़ को इतना ज्यादा रैशनलाइज कर दिया गया कि इवन दैट इज़ इजेरिकली प्रूवन और वी कैन एक्चुअली दैट इन दैट तो पीपल आर समाव क्योंकि ज़ाहिर है हमारा दीन एक ईमान बिलगैब पर बात करता है जन्नात पे बात करता है फरिश्तों पे बात करता है बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि मेटाफिज़िकल वर्ल्ड से रिलेटेड हैं तो शायद नौजवान के दिल में एक चाहत और एक उमंग है कि मुझे कोई ऐसी सुपर नेचुरल मेरे साथ आ, मेरे सामने अक्रंस हो जिससे मैं वाकई इतना में आऊँ या इंस्पायर करूँ कि मैं जो जिस बिलीफ को यानी वो मुझे ओ में डाल दे और मेरे लिए वो जो है ना वो यानी एक ऐसा एविडेंस हो जिसको मैं डिनाई ना कर सकूँ और दुनिया के सामने इस्लाम की एक मतलब आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ सेंसेशन दिस इज़ अ टाइप ऑफ फीलिंग दैट वी आर ऑल लॉन्गिंग फॉर इन फैक्ट तो शायद इसी को सामने रखते हुए दे आर एक्चुअली कि किसी तरीके से जल्दी कुछ साइंस ऐसी सुपर नैचुरली हम प्रूव करके दिखा रहे हैं आज सामने hmm. तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग अ लॉन्गिंग जो हमें अंदर आती है hmm. एक तो मैं समझता हूँ ये एक रीज़न है जिसकी वजह से तो दिस इज़ आर अब अगेन अल्लाह ताला के निजाम किस तरह चलता है हम अल्लाह के हमारी चाहत तो ये है लेकिन इट आपको सरप्राइज किया ये जो मक्का में आपनेस किया, इसने आपको किया? जी जी मुझे सरप्राइज़ किया लेकिन मैं एक और चीज़ आपके सामने थोड़ी सी कुर्ब के हवाले से बात करता हूँ फिर मैं द्रेज़ पर आता हूँ hmm. जो करीब की बात है ना ये ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि असल में क़रीब का मतलब क्या है Uh, इसके बारे में इमाम ने किसी एक हदीस आती है सलमदीस में आपके सामने पढ़ता हूँ उससे वाजे होती है बुखारी की हदीस है कि आप वसल्लम ने फरमाया इसकी वजाहत की बेसिकली ये द वे बुक कौन सी आपके पास है ये किताब है यार

असर और मगरिब की नमाज के दरमियान का यानी मगरिब के यानी सूरज के गुरुब होने का और असर की नमाज़ का जो टाइम है उतना है सही इस इस पे इमाम ने कसर रही तुमने कमेंट किया है <coughs> अलबिदाया में क्योंकि ये उनकी आ, मास्टर पीस है इमाम ने वो, जी वो जी कहते हैं है। कि वह वहादर हदीत फ़ीद दलीला मुद्दत हादिमति कसुरत बिन नस्बती इलामामा मवा और आगे चल के कहते हैं वलकिन कसैिर बिनबती इलामा सबक किनि ये जो जो कम है ना ये कहते हैं कि करीब है इसका मतलब असल में रिलेटिव टर्म है और इससे मुराद ये कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस नेशंस अगर आप उनके टाइम को देखें और हमारे तो वो बहुत छोटा टाइम है सही, सही। तो इस परस्पेक्टिव से अल्लाह के रसूल सल्ला ने जिक्र किया लेकिन देखें मकसद क्या है ये भी याद रखना नहीं। चाहिए मैं इसका मकसद ये भी नहीं है जैसे अहमद भाई ने कहा कि मैं भी समझता हूँ कि बहुत अनलाइकली है क्योंकि देखें अगर आप तमाम अहदीस को सामने रखें ना आपको लगता है कि अभी मिसाल के तौर पे बड़े इवेंट्स होने वाले हैं और वो इवेंट्स डेफिनेटली जैसे सही धन ईसा आली सलात वसलम का नज़ुल है जंगें हैं और दो जंगे फ़ौन भी हो सकती हैं दो तीन साल में भी सब कुछ हो जाता है टाइम बहुत जल्दी चेंज हो है हो रहा है लेकिन उसके बाद का जो टाइम है जिसमें दज्जाल का आना और फिर दज्जाल का पूरा वक्त है फिर अल्लाह के रसू फिर सईदनासी वसलम का खलीफा बनना फिर खलीफा के बाद जो है उनकी वफात होना और सारे फिर उनके आगे खुलाफा, फिर डिटीरेशन आना पूरे माशरे में टू तो दी एक्सटेंड के एक वक्त आएगा कि एक भी अहले ईमानी रह जाएगा यानी उम्म एक दफ़ा ऊपर जाएगी फिर दोबारा नहीं यानी अभी हम डिक्लाइन पर हैं लेकिन अभी

यहां तक तो इस इन अदीस को जब आप सामने रखते हैं ना तो पता ही चलता है कि एक है अपने लिए एक मैसेज उससे हमारा मैसेज हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि यार कि ये बस आ जाएगी किसी वक्त हमें तैयारी इस तरह ही रखनी चाहिए हमें वेट नहीं करना जब कबर में हम उतर के, तो हमारी वो भी क्या मत है एक हदीस वो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरमाया कि अगर तो दज्जाल मेरे दौर में आ जाता है तो मैं उसे फाइट कर लूंगा लेकिन अगर मेरे बाद है फिर यू आर ऑन योर ओन ऐसे तो देखे ये पॉसिबिलिटी

लेकिन उस करीब से मुराद बेसिकली आपका एक रिलेटिव करीब है यानी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस नेशनस लेकिन साइंस ऑफ द आवर तो किसी वक्त भी आ सकते हैं वो हो सकता है कल आ जाए हो सकता है अभी आ जाए हो सकता है जरूर भी हो गए जैसे आपने कहा ये आपने जो साइन बताया ना मैं आता हूँ उसकी तरफ जो आपने बात की जी. ये बिल्कुल ये हदीस में आता है सही ालिबन सही बुखारी की हदीस है कि आप सलाब ने फरमाया कि आपने गज़ब तबूक से वापस आते थे गालिबन जंग से तो आपने पानी वहाँ पर बहाया तो आपने कहा कि ये सारे ज इलाका है ये देखना ये बाग़ा बन जाएगा

लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इनको ज़बरदस्ती इनके पीछे भागें अचानक वेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है बट ये भागना ना ये जो अप्रोच है कि टू सीक किसी तरीके हाँ। से ज़बरदस्ती देखिए हमारे कुछ स्कॉलर्स हैं जो करते हैं

लेकिन ये जो बात है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि मेरे अगर तो मेरे टाइम में आ आगे इसका मतलब कि ही वाज प्रिपेयरिंग माइंड प्रपेयरिंग मे बी पॉसिबिलिटी है कि आ जाए ऐसा तो नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि नहीं अभी तो बहुत साल हैं अभी तो ये 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 साइंस जो है वो पूरे होने बल्कि पॉसिबिलिटी बता दी कि हो सकता है मेरे दौर में अगर आ जाए देखिए मेरा ख्याल आया रसूल है ना वो ये बात करे सहाबा की तरबियत करने के लिए सही और के इस फितने के बारे में ना तुम्हें परेशान होना चाहिए अच्छा। और के तुम्हें जो है अपने ईमान पे काम करने की जरूरत है हर नबी हाँ हा, हा, हर नबी हा, ने, ने हर नबी ने, ने आके ये बात की दज्जाल के फितने के से आगाह किया और बाकायदा साल हजारों साल बिल्कुल और यानी लाग 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 को पता था कि उनके जमाने में नहीं आएगा क्योंकि आप सल्ला ने भी बताया ना ईसा के और सब जो बताया लेकिन तरबियत के लिहाज से उन्होंने कहा अच्छा वो तरबियत साहबा ने क्या किया ईमान पर ऐसे काम किया कि जो भी उनसे ईमान का तकादा जो भी करेगा ना वो देने के लिए तैयार है उसको तो हमारा भी जो है एटीट्यूड यही होना चाहिए बजाय आपको पता है ये वैसे काफ़ी कल्चर्स के अंदर ना ये प्रोफेसीज़ को बहुत ज्यादा एक अहमियत दी जाती है अगर आप फॉर एग्जांपल जूडे क्रिश्चियन कल्चर देखेंगे ना हाँ। उन्होंने इस वक्त जो बंकर बनाए हुए हैं पूरे पूरे न्यूक्लियर बंकर न्यूक्लियर बंकर दस दस साल का खाने का स्टोर किया हुआ तो ये ये तकल्लुफ़ है ये एक एग्जेजरेशन है Uh, हो सकता है उनको बंकर जो है वो काम भी ना आए उस वक्त hmm. हाँ इंसान अपने ईमान पे काम करे और, और, इस... और इसमें अली भाई एक अकीदे का भी मसला इसमें आता है कि hmm. आपने खुद ही मुहदत कर दिया ना जब hmm. आपने बंकर बना दी इसका मतलब है कि आप शोर हैं जैसे इन्होंने कहा कि इनके जा, फ्रेंड हैं अगले चार पाँच सालों में hmm. अगरचे वो ये कह रहा है कि मैंने तो कोई फिक्स नहीं किया लेकिन उसने ये तो एक टाइम तो फिक्स कर ली ना कि यार वो मेरी जिंदगी में आएगा येस, येस। तो ये फिक्स करना अकीदे के खिलाफ है और बड़ी से बात की है कि कोई टाइम या कोई मुकर करना अपने में आएगा। ये ऐसे की है, कुछ दो जी जी। कुछ आप कह रहे हैं 2020 हजार बीस में वो भी नहीं आई हाँ बारह का था बट नई डेट है दो उनसे जो बारह में कह रहे थे क्या हुआ था बिल्कुल ठीक ये हदीस बड़ी इंटरेस्टिंग है Uh, इसको मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप, आप अपना व्यू दें नबी सल ने ने फरमाया सही हदीस है तिरमिज़ी की द आवर विल नॉट बी इस्टेब्लिशिल टाइम पास इज रेपिडली सच दैट अयर इज़ लाइक अंथ अ मंथ इज़ लाइक अ वीक अ वीक इज़ लाइक अ डे अ डे इज़ लाइक एन आवर एंड अन आवर इज लाइक द फ्लिकर ऑफ अ फ्लेम है क्योंकि देखें हम आ, हम गैब में ईमान लेके आते हैं और हम हर चीज़ जो है एमपेरिसम के ऊपर नहीं रखते हैं। तो हम जरूरी नहीं हमें कहें नहीं यार ये लिटरल हो ही नहीं सकता ये मेटाफॉरिकल ही है अल्लाह तो ताला, ताला बेहतर जानता है कि रसोल से इसकी क्या मुरादा अब या इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओपिनियन बताए हैं फॉर एग्जाम्पल कुछ जो है वो ये जो मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट है उसको जोड़ते हैं इससे हुँ। कि फॉर एग्जांपल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऊंट का सफ़र किया जाता था तो, तो हफ़्ते का सफ़र जो है आज कितनी देर में तय हो जाता है घंटों में तय हो जाता हुँ। हुँ। है सो अगेन ये वाली जो हदीत है और फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपने पहले वो शेयर की थी स्लेव वन गिविंग बर्थ टू हर मास्टर ये वर्डिंग रसूल वसम की ऐसी है कि देर इज़ रूम फॉर इंटरप्रटेशन इन दिस एंड ओलामा ने फिर डिफरेंट डिफरेंट जो हैं इनकी इंटरप्रटेशन की हैं एंड अगेन वही बात है कि जब एक इंसान इनको पढ़ेगा और उसको पता होगा हाँ यार आप के अल्फाज में ये बात भी बैठ सकती है ये भी बैठ सकती है ये भी बैठ सकती है ये भी बैठ सकती है तो वो जब बयान करेगा ना इनमें से एक को चूज़ करते हुए तो उसको पता होगा कि यार मैंने इसमें से एक इख्तियार किया बाकी तीन ओपिनियंस भी एग्जिस्ट करते हैं तो वो अपनी बात के अंदर एक एक ह्यूमिलिटी होगी इसकी बात के अंदर बजाय कि एक वसूख होगा कि बस जो मैंने बात कर रहा करूँ वही ठीक है बिल्कुल मगैरा ये भी कह सकते हैं कि बरकत उठ जाएगी टाइम से देखिए पॉसिबिलिटीज़ तो हैं बिल्कुल मैं थोड़ा सा एक और वजाहत कर दूँ आपके सामने कि देखें हमारे दीन की ओवरऑल अप्रोच जो है नरे भाई वो यही है कि जैसे प्रिंसिपल भी एक जिक्र किया उन्होंने वो ये है कि तमाम जो अहदीस हैं उनको लिटरल लिया जाए और अनलेस uh, के देर इज एन एविडेंस के जिसमें हम कह लें इज़ इंटरप्रिटेशन की कोई एविडेंस हो कोई कॉन्टेक्ट हमें बता रहा हो कि नहीं ये डेफिनेटली इंटरप्रिटेशन है Chief. उसकी वजह यह कि इसी से मिलती जुलती एक और हदीस हमें दज्जाल के बारे में मिलती है नहीं, लेकिन वहाँ पे मैं लगता है थोड़ा सा कि जैसे कि लिटरल सेंस में जिक्र किया गया सथी, जैसे कि आप वन है वन डे डे लाइक लाइक मंथ तो उस हदीस के अंदर साहबा ने बायदा पूछा अल्लाह के रसूल से अल्लाह के रसूल हम नमाजें कैसे पढ़ेंगे तो सहाबा लिटरली और आपने जवाब भी यही दिया आपने कहा तुम अंदाजा लगा लेना आपने ये नहीं कहा कि यार ये तो मेटाफारिकल है तो कहने का मतलब है कि इससे पता चला कि यानी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन जैसे आपने बताया कि उसकी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि टाइम जो है वो शायद शॉर्ट ना हो आ, लेकिन दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं सो so, अहमद भाई वाली बात ही एग्जैक्टली exactly ये है कि देखें मकसद क्या है अली भाई ये सारी डिस्कशन का मकसद क्या होता है आप इंटरप्रेशन क्यों कर रहे हैं असल में ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिटर्मिन करना थीक थीक अगर तो इंटरपटेशन आप कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक और क्रिएट करने के लिए बेशुमार हाँ। और चीज़ें जिसे आप और क्रिएट कर सकते हैं तो आप ऐसी चीज़ों में जिसके अंदर जूम आनी है आप करेंगे ना होगा ये कि कल को वो गलत हो गई या कोई और बंदा वो आपको कहेगा यार तुमने कैसी बोंगी बात की है कि इसका कॉन्टेक्स या कोई और एविडेंस से आपकी बात को वो कर देगा आप उन चीज़ों से और क्रिएट करें जिससे अल्लाह के रसूल ने हमारे असलाफ ने किए ऑलरेडी किताबें मौजूद है उस पर नुकसान होता है हाँ अच्छा अब अगर दूसरी दूसरी राय यह हो सकती है दूसरी यानी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बंदा कि मैं सीखने के लिए करना मैं अपने आप को फितनेस से बचाने के लिए करता हूँ सुबह अल्लाह फिर ठीक है तो अगर इसे मुराद मुरादी कि टाइम ऐसा लगेगा जल्दी गुजरेगा तो इंसान जो है वो इतना मशगूल हो जाएगा अब आप सोचेंगे अच्छा मशहूल होने से मैं अपने आप को किस तरह बचा सकता हूँ अपने दिन के लिए किस तरह वक्त दे अगर तो ये अप्रोच हो ना फिर तो कोई मसला नहीं है फिर तो और फायदा हो रहा आपको। उसका आपको प्रैक्टिकल लाएफ प्रैक्टिकल लाएफ है फायदा प्रैक्टिकल लाइफ में लेकिन अगर और सिर्फ हो तो और के अंदर भी मैं ये भी नहीं कहता कि और नहीं क्रिएट कर सकते कर सकते हैं ऑब्वियसली लेकिन उसका भी एक ना उसकी एक बाउंड्री होती है क्योंकि और की मैंने आमतौर पर देखा लिमिट नहीं रखते लोग वो जब खींचते हैं ना तो फिर उसका इतना आगे निकल जाते हैं

डिसर्विस है टू नॉलेज एंड देखिए जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह आले इमरान में न मुतशाबिया के पीछे जो लगते हैं लोग उनके बारे में कहा ना कि वो यानी फितना खड़ा करती है और उनकी नीयत भी होती है मुतशाबियात के पीछे लगना कि फितना खड़ा करना तो हमारे जो ाँ है ना जो रा फिल्म जो है जो डीपली रूटेड है नॉलेज के अंदर ऐसे नहीं है कि उनको ये बातें पता नहीं होती और अनफॉर्चुनेटली कभी कभार हम ये करते हैं कि हम लोग आके ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि इनको क्या पता यार ये अपने आइवरी टावर्स में अपने मदारस में बैठे हैं इनको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा एंड ठीक है वो भी हैं इस किस्म के ओलामा भी हैं हमारे जिन्होंने अपने आप को बॉक्स किया हुआ एक स्पेसिफिक uh, साइंस uh, के अंदर जो कि रिलीजन होगा और उससे बाहर उनको ज़्यादा नहीं पता इसमें देर इज़ ट्रूथ टू इट लेकिन नॉट एवरी वन इज़ लाइक दैट अगर आप किताबें देखेंगे जो मुगिरा <laughs> भाई जिस किताब को आ, दिखा रहे हैं आपको यानी ने पी एच डी थीसेस किएसाइट थीसे पर उन्होंने हर एंगल से इन चीज़ों को देखा हुआ भी है तो uh, जो एकेडेमियाँ है यानी जो इस्लामिक एकेडेमियाँ है इनके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं तो हमें ना इसको इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए अपने टी hmm. या व्यूज़ hmm. की hmm. वजह अभी hmm. hmm. भी इसमें तीन ना मुझे तीन अप्रोचेज़ और तीन ओपिनियंस नज़र आते हैं अहमद hmm. भाई भी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा uh, असल में तीन अप्रोचेज़ इसमें हैं एक अप्रोच है जो बिल्कुल ही ओपन अप्रोच है और मॉडर्निस्टिक अप्रोच है कि हर चीज़ को ना मॉडर्नाज मॉडर्न इंटरपटेशन के साथ प्रेजेंट किया जाए और उसको hmm. कोशिश की जाए कॉन्टेस्टलाइज किया जाए मॉडर्न टाइम्स में चाहे वो बनती है कि नहीं करती एक पूरी अप्रोच है और एक टोटली डिफरेंट अप्रोच अपोजिट अप्रोच भी है यानी वो ये करते हैं कि वो हर साइन ऑफ आवर के अंदर ना बिल्कुल उसको ऐसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे और ये कोई बड़ी बात नहीं नहीं ऐसी बात भी नहीं है असल में दरमिया अप्रोच होनी चाहिए एतदाल इज़रूरी है तो मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा जिस तरह के जैसे आप कह रहे हैं ना यंगस्टर्स बॉयज़ हैं जो जिनको इन चीज़ों का शौक़ है वो बहुत ज़्यादा इंटरप्रटेशन पे हाँ, चले जाते हाँ, हैं और वो फिर जैसे अहमद भाई ने कहा का भी खड़े और अपोजिट भी है एक हमारा रिलीजियस तबका भी हमारे कुछ रिलीजियस भाई भी ऐसे हैं बहनें भी ऐसी हैं जो इसको बिल्कुल ही कोई अहमियत भी नहीं देते ये तो कोई बात नहीं है इसका मतलब ये है बिल्कुल ही ऐसे नॉर्मल जैसे कि नहीं मुराद ऐसे ठीक है ये भी नहीं अहतदाल ये है कि उनको अप्लाई करें और उससे आपको और भी आपको जो है ना वो उससे मोटिवेशन भी मिलेगी ईमान की मजबूती भी होगी लेकिन उसके साथ लेकिन विद प्रिंसिपल तो उसूलों के साथ और राए, उसको यानी विद प्रिंसिपल्स उसको जो है ओके ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे सामने हदीस है मौकूफ हदीस है अ, अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास का कॉल है सही मुस्लिम में है ही सेड के इन डीड इन आर डेवल्स चेंज दूम सुलेमान शैकल्ड सही अलैहिस्सलाम एंड देर अबाउट टू अमर्ज एंडाइट अ कुरान टू दीपल अब इमाम अन नवी का इस पे कमेंट मौजूद है मैं पढ़ रहा था ही सेट के हिज वर्ड दैट देर अबाउट टू अमर्ज एंडाइट अ कुरान टू दीपल मीन्स दैट देट समेट इज नॉट कुरान बट क्लेम दैट इट इज़ कुरान टू मिसलीड लेम एन विद इट और समथिंग लाइक द कुरान उसी इम्पैक्ट का कुछ वो पढ़ेंगे ये बड़ी स्ट्रेंज एक हदीस है और इसको लोग इस तरह से जोड़ते हैं कि देखें आज के दौर में वो जो चेंड अप डेवल्स थे वो खुल गए और वो तबाही मचा रहे हैं पूरी दुनिया में और कुरान की जहाँ तक बात है वो कहते हैं कि मे बी ये इनका नेटफ्लिक्स या इनका मतलब है। सॉन्ग्स हैं लिरिक्स हैं वगैरह वगैरह विच आर कमिंग डायरेक्टली फ्राम द डेबल्स क्योंकि म्यूज़िक <coughs> और एलूमिनाटी इस पर बहुत बात हो चुकी है एक रिलेशनशिप के हवाले से कि यस दे आर मेम्बर्स ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी वगैरह वगैरह हाउ डू यू सी दिस ये कॉल पहली तो बात ये सही कॉल है बिल्कुल सही तो मुस्लिम इस इसमें आपकी क्या जो है आप कैसे देखते हैं इसको कि डेविल्स बाहर आ जाएंगे अहमद भाई लेट मी आप? स्टार्ट अहमदाईट मीटार्ट शिकल किया था सुलेमान सलेमान ने उसके बाद वो बाहर आके कुरान पढ़ने लग जाएंगे देखें अली भाई वही बात अगर तो मैं यहाँ बैठ के एक बड़े ही सर्टनटी के साथ एक हाइपोथेसिस क्रिएट करूंगा तो वो डिससर्विस होगी नॉलेज को और वो रिफ्लेक्शन ऑफ माई इगनोरेंस क्योंकि मैंने अब इस रिवायत को इसके कॉन्टेक्स के अंदर नहीं स्टडी किया मैंने ये नहीं, नहीं देखा कि ऊल्मा ने इसके बारे में क्या क्या आरा पेश की हैं और फिर उसको आ, उसके ऊपर फिर अपनी कोई व्यू दे सकूँ मैं लेकिन देखें आ, क्या शयाती अभी इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते बिल्कुल करते हैं करते। क्या कुछ लोग हैं जो श्या के साथ इंटरेक्ट करते हैं या उनकी पूजा करते हैं हमें एविडेंसेस हैं इन चीज़ों के, के बहुत सारे लोग हैं बहुत बहुत पावरफुल लोग हैं जो कि श्यातिन से मदद लेते हैं एक्सेट्रा सही क्या ये अभी हो गया है पहले से ही कि ये होने वाला है ताला आलम सही क्या ये शयातिन जो है ये किसी स्पेशल किस्म के शयातिन हैं जिनको सलेमानसमाम ने चेन uh, किया है या इनको कहीं ना कहीं बंद किया है वल्ल mm आलम -hmm. हमें इस चीज़ का नहीं पता लेकिन अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे मैं पर्सनली आई डू बिलीव एंड आई बिलीव के देर इज़ गुड एविडेंस फॉर दिस के डेवल्स द शयातीन डू एग्जिस्ट नंबर वन राइट ठीक है ये तो हमें क़ुरान बताता है इसमें तो कोई शक नहीं है ये तो बिल्कुल सर्टन uh, बात है कि शयातिन जेबल्स जो हैं mm -hmm. है, mm -hmm. जिन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं अच्छा क्या इंसान उनके साथ कोई इंटरेक्शन करते हैं देर इज एविडेंस टू शो के इंसान भी इंटरेक्ट करते हैं और ना सिर्फ इंटरेक्ट करते हैं लेकिन फेवर्स भी लेते हैं यानी भी भी हैं। हैं। शयातिन उनके लिए काम भी करते हैं मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जिस दुनिया में अभी हम रह रहे हैं इसमें जो टॉप पे लोग हैं और कभी इसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक शो भी कर सकते हैं कि जो टॉप पे लोग हैं जो कि डिसीजन मेकर्स हैं मैं समझता हूँ उनका जो ताल्लुक़ है ना वो ये शयातीन के साथ है ताल्लुक कोई ना कोई hmm. और वो जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो कोई शयातीन का ही एजेंडा है जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इस दुनिया के ऊपर hmm. हमारे पास यू you ना know, इन चीज़ों के एविडेंसेज हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ये एविडेंस मेन स्ट्रीम होते जा रहे हैं hmm. ये एविडेंस मेन स्ट्रीम होते जा रहे हैं यानी एक टाइम था जब इन चीज़ों को जो है ना कंस्पेसी थ्यूरीज कह के ब्रश ब्रशसाइड कर दिया जाता है लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता Uh, world over Yeike realization or Yeikeidas, there's something more hmm. happening. Uh, there, is, there, is, there, is, there is some sort of evil that exists hmm. and it is being uh, tapped into by these people in power. एंड ये यू नो इस आई थिंक इसके ऊपर पूरा एक yeah, शो हो yeah, सकता yeah, है जहाँ पे हम एविडेंसिस दिखा सकते yes, हैं क्योंकि yes. जब इंसान इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात करता है ना अगेन ये वो नागनलाइज चीजें हैं तो उसमें टेंडेंसी ये होती है कि हम भी और हमारी ऑडियंस भी जो है ना इसको पता नहीं लेके कहा चले जाए hmm. तो आई थिंक इसके ऊपर बात करना एक ये एक अच्छा टॉपिक है जिसके एविडेंसिस के साथ जिसके ऊपर बात की जा सकती है प्रोमिसक्विटी बढ़ रही है जिना बढ़ रहा है मतलब इतने इम्पैक्ट के साथ बढ़ रहा है कि ये तो एक आम आदमी भी देख सकता है कि शायद इस लेवल पे कभी भी नहीं था जैसे पॉन इंडस्ट्री है वो किस लेवल पे इस वक्त फैल चुकी है इट्स एन एपिडेमिक जो पूरी दुनिया को अपने जो है ना वो चंगल में फंसा के रखा हुआ उसने तो डोंट यू थिंक कि ये इसलिए है कि शाती बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए खैर अरे भाई आपकी बात जो पिछली रीस जो आपने जिक्र किया उसके साथ मैं इसको आ, मिलात, आ, मिलाता यानी मिलाता हूँ इसमें कोई शक नहीं है कि शयातिन और फितना बहुत ज़्यादा है उस बारे में हदीस भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और ये वन ऑफ़ द साइंस ऑफ द आवर है कि बहुत ज़्यादा फितने फैल जाएंगे और फितनों का मतलब ये है कि शैतानी कवतें जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि लोगों के अंदर जवाल है उम्मत मुस्लिम इस इसमें जवाल का शिकार है उसकी बहुत बड़ी रीज़न हमारे अपने अमाल है जिसकी नहूसत है तो बुरे आमाल की नहूसत होना तो इसमें कोई शक नहीं है और होती भी है और जाहिर है इसी वजह से शयातिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी करते हैं और ये जो आप बता रहे हैं कि जी कत्ल कतल गारत और ये सारी चीज़ें और बिल्कुल ये पिछली हदीस से भी जोड़ा जा सकता है इसको जो आपने जिक्र की है जो हदीस सही मुस्लिम में है कि आप यानी बिन बिन आस ने कहा कि शयातीन जो है वो समुंदर के अंदर उनको बंद किया हुआ है और आख़िरत यानी यानी अनकरीब जो है सईद नसलमान ने बंद किया और उस एक वक्त आएगा उसको उसकी जो रस्सियाँ हैं और उनके जो वो लूज़ हो जाएंगी सही तो अगर आप मानी के तौर पर अगर इसको सिर्फ़ एक एक किस्म का आप लें इस तरह के जी शयातीन होंगे और वो फितना फैलाएँगे और जाहिलों को कुरान तो की या कुरानी तालीम कह के ये कुरान है हालांकि वो कुरान नहीं होगा या कुरानी तालीमत नहीं होंगी या दीन नहीं होगा दीनी तलीमत नहीं होंगी लेकिन वो दीन कह के एग्जैक्टली तो वो इस तरह लोगों को बताएंगे जैसे ये, ये कुरान है तो मिसाल के तो ये कोई अच्छी बात है जैसे तावीज़ों के अंदर आपने देखा कि कई तावीज़ में वो कहते हैं कि जी ये कोई यानी वो नहीं, नहीं। 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 वो अरबी में टेक्स्ट लिखा होता है वो समझते हैं कि जैसे कुरान तो कोई अच्छी बात जा, कोई दुआश हुआ लिखी है अल्लाह माफ़ करे उसके अंदर शैतान से मदद मांगे उतनी क्या क्या कुछ होती है जाहिर लोगों को नहीं पता होता बकायदा आप तवीस खोलें तो इस तरह की चीजें और शैतानी इस पर इवॉल्ड होते हैंट लेकिन एक एक चीज है कि क्या ये एक छोटी सी बात मैं ये भी करूँ लेकिन क्या ये वाकई रिवायत अगेन वो मानी वलमा ने बयान की लेकिन एक और चीज़ है सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस जो है हिमसेल्फ जो है वो उन्होंने इसको डनेरट किया है तो ये भी कहते हैं कि दर इज़ अ पॉसिबिलिटी क्योंकि ये ना चूँकि पिछली उम्मतों से मुतल है तो आम तौर पर कई सहाबा जो बनी इसराइल से और अब्दुल्ला बिन अब्दुल्लिन बिन आस के बारे में मरूफ है यानी बाकायदा एविडेंसेस मौजूद हैं कि यूज़ टू नरेट उनके पास बाकायदा यानी बनी इसराइल के वो होते थे टैक्स होते थे जिनके जरिए वो रिवायत करते थे सही तो रामा कहते हैं कि दर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ से उन्होंने ली है इसीलिए उन्होंने इसको अल्लाह के रसूल के साथ मंसूब नहीं किया हाँ बाकी अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की बात साबित है यानी सर, यानी सनद के अतबार से ये बात है कि उन्होंने ये बात कही है हुँ, हुँ, बाकी क्या वो उन्होंने खुद कही है कि अल्लाह के रसूल के परस्पेक्टिव से कही है तो हम इसको तस्दीक भी नहीं कर सकते तकजीब भी नहीं कर सकते तो इन दैट सेंस मैं समझता हूँ कि

a woman uh, will be taken and her stomach ripped open then what is in her womb will be taken out and discarded for fear of giving birth musannaf ibn abi shaybar sahi hadith it's hai ye abortion ki movement dekhen aaj kitni zyada Bilkund. chal rahi hai baqaida ek agenda hai uh, feminist agenda hai abortion ka Toh, i think this is fascinating बिल्कुल ये तो जैसे आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही लगता है कि यही बात हो रही है कि बयादा सिजेरियन करके यू नो जब आ, बच्चा आ, टर्मिनेट किया जा रहा है यू नो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर तब आप पेट खोल के ही निकाल सकते हो बगैर दवाई के दवाई वगैरह काम नहीं आएगी तो ये तो इस किस्म का जो है ना सिनारी है एंड देखें जब ये इंसान ये अहदीस इस तरह की पढ़ता है तो ये हो नहीं सकता कि हम इसको अपने जमाने से एक हमारा एक हमारा रीसेंसी बायस भी होता है रीसेंसी बायस इसको कहते हैं कि रिसेंटली अगर कुछ कोई, कोई चीज़ हुई हो ना तो हम, हम ज्यादातर ना उसकी नॉलेज को हाँ उसके साथ जोड़ते हैं तो एक है। बायस हो सकता है जिसमें कोई हारज नहीं है लेकिन ये बिल्कुल ये इसकी इसकी जो एप्लीकेशन है वो इस चीज़ के सकती है अच्छा अभी भाई एक छोटी सी एक वजाहत यहाँ पर मैं कर दूँ कि जो शर रेलिवेंट होगी समझने के लिए वो ये है कि देखें अशर जो साइंस ऑफ दियावर है ना इसको लामा ने मुख्तिस तरीके से क्लासीफाई किया कैटेगराइज़ किया ओके okay. एक मतलब एक कैटेगराइजेशन जो बड़ी मारूफ है वो ये है कि कुछ साइंस ऑफ दियार ऐसे हैं जो हुए और वो होके गुजर गए यानी वो अब दोबारा नहीं हो ठीक है एक जो है ना मदीना में एक आग जो है शबा से वो होगी निकलेगी और उसकी वजह से मतलब वो पूरी एक ने और ये देखी है और ये मारूफ़ है साबित भी है इस तरह इस तरीके से इन कमर है यानी आप जो जो, जो वो है तो ये होके चले गए इसके बारे में हदीस में आता है तो ये सारी चीज़ें अलग में जिक्र की थी अच्छा कुछ साइंस ऑफ आवर ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूस रहेंगे जो होते रहेंगे ऑफ एंड ऑन वो ख़त्म नहीं होंगे जिसमें कतल जिनाकारी शुरबुल्खमर ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली यानी ये एंड तक रहेंगे और ने ऐसे बाकायदा बयान कैट, किया उसको कैटेगराइज किया कि वो यानी कंसिस्टेंटली कैट, रहेंगे और कुछ ऐसे हैं जो कि बाद में जाहिर होंगे ठीक है ना बिल्कुल एंड में जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि आपल्ह फरमाया कि जो है वो ज, जो है वो जानवर जो हैं उनसे बात होगी ये आप सब फरमाया इसी तरीके से ये जो हदीस आती है कि मक्का की वादियाँ जो हैं वो सरज व शराब हो जाएंगी तो यानी ये, ये चीज़ें जो बाद में होंगी जो अभी कंटिन्यूसली नहीं चल रही ठीक है ना और ये तीन कैटेगराइजेशन मेनली माइनर साइंस की उन्होंने की है उलमा ने फिर मेजर साइंस की अलग है वो वो तो मारूफ है दस जो बाज़लान ने उसको कैटेगराइज़ किया इस तरह तो ये भी मैं जहन में रहें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद वो इसलिए कंटिन्यूस रहेंगे वो जनरल इन नेचर है वो एक डिटोरेशन को जो है ना वो वन एक्सप्रेस कर रही हैं वो चीज़ें तो उनको आप ये समझें ना कि वो साइंस ऐसे हैं कि बहुत एकदम जो

एविडेंस है वो वही है कि जो बेयरफुट अरब्स mm. हैं बद्दू जो हैं वो आपस में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में मुकाबला करेंगे yes. Yes. इमाम नववी इसके बारे में लिखते हैं कि हमारे जमाने में नहीं हुआ ये mm. इमाम नववी ने इसकी हदीत की जो शरा करते वक्त इसमें लिखा है कि ये हो सकता है ये कर, अनकरीब हो ऐसे सही हम शायद आज ये कह सकते हैं कि यार ये तो अभी yes. हमें नजर आ रही होते हैं yes. क्योंकि yes. अगर yes. आप 60, 70 पीछे जाएंगे और आप इस इलाके को देखेंगे ah. तो ये रेगिस्तान तो इससे रसूल की जो सच्चा नबी होने के जो दलाल है ना ज्यादा तक लेते हैं ये इंटरेस्टिंग है सेड ये भी तरमीजी की हदीस है सही है अकॉर्डिंग बाई दूज एंड इज माई सोल The hour will not be established until predators speak to humans, until the tip of a man's whip and the strap of his sandal speak, and his thigh informs him of what his family did after him. बहुत से मैंने खुद सुना है scholars को इस हदीस को लेकर ये बयान करते कि it refers to artificial intelligence ऐसा दौर आने वाला है जैसे मैं आपको बारी-बारी बताता हूँ कि how did those scholars interpret this? Number one ये जो हदीस है ये जो बात है कि प्रडेटर्स स्पीक टू दे से के इट कुड बी के सेक्शल प्रडेटर्स ये पूरी एक टर्मनोलॉजी है इंटरनेट की दे आर टॉकिंग टू चिल्ड्रन दे आर ट्रैपिंग चिल्ड्रन ठीक है एक तो हो सकता है वो हो दूसरा ये कि लिटरल भी हो सकता है कोई ऐसी डिवाइस आ जाए कि प्रडेटर्स बोलने लगे तीसरा एनिमेटेड मूवीज़ में आजकल वो लाइन और ये वुल्फ और इनको बुलवा तो रहे हैं तो वो क्रिएट तो कर दिया उन्होंने वो चीज़ फिर ये कि टिप ऑफ अ मैं विप एंड द स्ट्रैप ऑफ इस सैंडल स्पीक ये उन्होंने कहा कि कोई एआई डिवाइसेस डिवाइस होंगी या जीपीएस सिस्टम हो सकता है इट इज़ टेलिंग यू द वे इट इज़ स्पीकिंग टू यू या हो सकता है टॉकिंग शू लिटरल ही जो है वो आ जाए और जो है हिस थाई इनफॉर्म्स हिम और व्हाट इज़ फैमिली डेड आफ्टर हिम जैसे कि लैपटॉप हम थाई में रखते हैं और मोबाइल भी थाई के करीब रखते हैं उसमें स्काइप है एंड इट इज़ एक्चुअली टेलिंग एस वाट विद आर फैमिली हाउ डू यू सी दिस ये ए आई को इस मद्द नज़र रखते हुए कि वाकई वी आर सींग्रेंज थिंगस अभी तो मेटावर्स आने वाली है फिर ये अपना वर्चुअल रियालिटी बहुत पीक पर जो है वो जाने वाला है तो आई थिंक शायद ये वार्निंग भी नबी व्म ने दी कि ए आई का दौर जो है वो इट इज़ अ बिग साइन अली भाई इसमें मतलब ठीक है ये बात कही जा सकती है uh, कि इसकी इंटरप्रटेशन इस तरह की जा सकती है लेकिन एट द सेम टाइम मैंने पढ़ा है कुछ वाला ने इसको बिल्कुल क्यामत कायम होने से पहले के वक्से के साथ भी जोड़ी है अच्छा, अच्छा। कि ये मौत जो है ना ये इस लेवल के बिल्कुल जब दुनिया के अंदर ठीक है कोई भी खैर नहीं बाकी रहेगा जब कोई मुसलमान बाकी नहीं रहेगा जब सूरज जो है वो वेस्ट से, निकल से हुँ। निकलेगा यानी वो तुलू जो है वो मगरब से होगा तो उससे बिल्कुल पहले जो है ना ये मामलात होंगे तो कुछ उलामा ने इसको ऐसे भी देखा लेकिन जो आप बात करें वो भी की जा सकती है कि इससे मुराद आ, आ, मिसाल के तौर पे आपने थाए वाली जो बात की इससे मुराद लैपटॉप है लेकिन अगेन मैं इस चीज़ पे सॉरी मैं इसके ऊपर स्ट्रेस करूँ कि जब भी आप एक रिवायत को अपनी इंटरप्रटेशन के साथ किसी और चीज़ के साथ जोड़ेंगे वो जो बीच में आपने जो एक्सरसाइज किया ना इस्तित किया जो इंटरप्रटेशन किया वो आपका इश्तिहाद जो है hmm. वो अगेन उसको रिकगनाइज करना कि यार ये जो है इट्स नॉट द सेम एज़ ए वर्बेटम वर्स ऑफ़ द कुरान दैट कैन गिव मील तो ये ये ये, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है एंड hmm. इसीलिए देखें कि

तो हदीस से ये पता चलता है कि ये बेसिकली लिटरल सेंस पे है और ने ये बात दुरुस्त है कि ज़्यादातर ने इसको उसी तरह जोड़ा है आखिरी टाइम से एंड ऑफ द टाइम्स के साथ ना क्योंकि वो वाक़ है पूरा कि एक बंदे ने असल में एक यहूदी ने एक वो एक भेड़िया आया और उसने क्या किया कि उससे वो चरवाहा था तो उसकी भेड़ ले ली तो उसने बाकायदा उससे कहा कि मुझे वापस करो ये मेरी भेड़ है तो उसने बाकायदा बात की उसे कम्युनिकेशन की और उससे वापस कर दी तो उसने कहा बड़ा ईरान होगा तुम बात करते हो बायदा ये उसने हदीस में अल्फाज हैं जी तो उसने कहा कि तुम इस पे हैरान हो रहे हो मैं बात करता हूँ तो तुम इस बात पे यानी ताजुब यानी तुम ये नहीं देखते कि अल्लाह के अल्लाह का दीन आया है तुम्हारे पास नबी आया है और वो वही तुम्हारे सामने प्रेजेंट करता है तुम उसको ना करते हो तुम जुट लाते हो यानी मेरा मेरा बात करना अजीब लग रहा है तो वो चीज़ तुम्हें अजीब नहीं लगती अपने अमल तो वो यहूदी फिर अल्लाह के रसूल के पास आया तो आप ये फिर अल्फाज कहे थे जो आपने बयान किया ना हदीस तो अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट को देख के आपने फिर तो अगर कॉन्टेक्स्ट को देखें तो लगता है यही है कि वो जानवर का जो बोलना है लिटरल।, ये लिटरल सेंस में है और ये बिल्कुल एंड पे है क्योंकि वो लमाना इसके साथीस दाबतवली हदीस भी जोड़ी है जिसमें वो बकायदा फिर इस तरीके से वो दरख्त का जो जंग के वक्त जो मेरे पीछे जो छुपा रहा है तो वो उसके फिर आके हमला करो Hmm. तो ये सारी चीज़ें को लमाना इसे एक कॉन्टेक्स में जिक्र किया तो एक तो मैंने बात की थी आप तो बस मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ जिक्र करते हो अगेन वही मकसद है कि प्रिंसिपल यही है कि अगर आप कॉन्टेक्ट एक प्रिंसिपल है कि कॉन्टेक्टर देखा जाए कॉन्टेक्स के बगैर इन चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स निकाल के जो है ना वो इंटरप्रेट ना किया जाए ओके देखे माइनर साइंस तो आपने भी माना कि यस वो काफी ज्यादा हमें लग रहा है कि पूरे हो चुके हैं और इम्पेक्ट भी उनका बहुत ज्यादा है अभी थोड़ा मेजर साइंस क्विकली बात कर लेता तो ये हदीस बहुत लंबी हदीस है आ, ये हदीस आ रही है जी सयदना अब्दुल्ला बिन हो वो कहते हैं कि हम रसूल वसल्लम शुल के आ, पास थे आ, पास बैठे फ़ितनों का तस्करा कर रहे थे आपने भी फितना अहलास में आ, बहुत से फितनों का ज़िक्र किया एक आदमी ने पूछा अल्लाह के रसूल फितना अहलास से क्या मुराद है आप सल्लास ने फरमाया फितना हालात से मुराद जंगो हारा, जदल हारा, और शिकस्त तो रेखत जमाना है। और रेख्त का ज़माना है फिर खुशहाली और आसूदगी का फितना उभरेगा इसकी इब्ताह और इंतहा और सरपरस्ती और जिम्मेदारी ऐसे आदमी के हाथ में होगी जो अपने गुमान के मुताबिक मुझसे होगा हालांकि वह मुझसे नहीं है मेरे दोस्त तो परहेजगार लोग हैं फिर लोग ऐसे शख्स पर सुलह करेंगे जो मुश्किल तौर पर बादशाह के लायक और इसका हल नहीं होगा इसके बाद भयानक आफत और मुसीबत पर मुश्तमिल फितना नमदार होगा वो इस उम्मत का हर फर्द को हलाक करके रख देगा जब कहा जाएगा कि यह फितना ख़त्म हो चुका है तो वह हद से बढ़ कर दोबारा सामने आएगा बंदा बवकते सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर लोग दो जमातों में बढ़ जाएंगे एक जमात साहिब ईमान और दूसरी निफाक वाली होगी Uh, इसमें कोई ईमान नहीं होगा जब मामला यहाँ तक पहुँच जाए तो दज्जाल का इंतजार करना वो इसी दिन आ सकता है या फिर अगले दिन आ जाएगा ये मुस्द अहमद है हदीस नंबर ट्वेल्व एट थ्री फाइव सही हदीस इसको सही का दर्जा जो है वो दिया गया अब देखें फितना आलाज से बहुत से लोग ये मुराद लेते हैं कि वॉर ऑन टेरर ठीक है क्योंकि उसके बाद डायनामिक्स टोटली चेंज हो गए पॉलिटिक्स के और आ, मुस्लिम आइडेंटिटी के या कह लें कि मुस्लिम कंट्रीज़ के जैसे वॉर ऑन टेरर के बाद पूरी पूरी कंट्रीज़ कर करनी अमेरिका ने खून रेजी हुई बहुत ज़्यादा शिकस्त हुई बहुत ज़्यादा और मुसलमानों के लिए वो बड़ा पेनफुल था उसके बाद जी खुशहाली का दौर वो कहते हैं कि देखें सम कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट लाइक दुबई कतर hmm. दोहा मस्कत वगैरह वगैरह ऑल दीज कंट्रीज़ ये बहुत ग्रो की इवन सऊदिया बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो किया जहाँ तक बात है कि लोग एक ऐसे लीडर की तरफ देखेंगे कुछ लोग उसको जोड़ देते हैं करंट जो सऊदीया के किंग हैजार मोहम्मद बिन सलमान के साथ जोड़ देते हैं मतलब ये उनका एक ओपिनियन है उन लोगों का कि वो आ, फिर इसको एक और हदीस से रिलेट करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इमाम महदी कब नमदार होंगे वो कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस का जब तीन प्रिंसेज आपस में लड़ेंगे बादशाह हैं या प्रिंस का जिक्र है शहजादे हैं या बादशाह मेरे जहन से अभी निकल गया वो आपस में लड़ेंगे और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा साइन है कि इमाम महदी इज़ अबाउट टू कम तो वो उसको भी इसी कॉन्टेक्स में लेते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इज़ फाइटिंग विद हिज़ कज़न्स वो तीनों शहजादे हैं तीनों रॉयल फैमिली से आ रहे हैं वगैरह वगैरह यू अंडरस्टैंडिंग ना कि वेयर दे आर टेकिंग ऑल दिस और फिर जहाँ तक बात है कि बहुत बड़ा फितना नमोदार होगा वो कहते हैं वो करोना वायरस है वो नमोदार हुआ अभी वो ख़त्म हो हुआ।, हुआ तो सेकेंड वेव थर्ड वेव आ गई वो उससे भी ज़्यादा जो है वो डेंजरस चीज़ जो है वो आ गई तो वो कहते हैं ये सारी चीज़ें तो पूरी हो चुकी हैं और अब बस यही रह गया है कि आपस की जो वॉर्स हैं मुसलमानों की जो खून रेजी है वो जैसे सऊदीया वर्सेस यमन कह लें या जो भी वो क्लैश उसको सामने लेकर आते हैं कि इनडायरेक्टली जो है ना वो ज़ाहिर है कि कुफ़ार हावी होते जा रहे हैं मुसलमान वीक होते जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि दिस प्रूव्स कि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और टाइम अगेन मैं कहूँगा वेरी नियर से मुराद ये है कि वी कैन सी अल्लाह माफ़ करे द जाल इनआर लाइफ अली भाई आ, मैं इसको ना आ, जो भी आपने सारी ये बात बयान की और आपने इसको वॉर ऑन टेरर के साथ जोड़ा है और कैसे उसने दुनिया के डायनामिक को चेंज किया है मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर कैसी आफत आई है मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा और इस एप्लीकेशन को मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा ओके okay. लेकिन मैं इसके साथ ये कह सकता हूँ कि ये हमारा बायस हो सकता है एंड रिसेंगजैक्टली यही चीज जो है जब मोंगोल्स आए थे मुसलमान ये बात कर सकते हैं उसको कि इतनी बड़ी आफत आई मंगोल्स के पास उसके बाद खुशहाली आई फिर देखिए तीन प्रिंस तो बड़े लड़े हैं प्रिंस प्रिंसेस में फॉर एग्जाम्पल एक जमाने में सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे दिल्ली में अफगानिस्तान में और ईरान में आपस में लड़ रहे थे सो नॉट रिजेक्टिंग दिस ओपिनियन दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी लेकिन जस्ट टू एड टू इट समिसम कि दिस कैन बी आर रीसेंसी बायस एज वेल और जो जिस जिन लोगों ने बगदाद की uh, जो नालियां हैं उनमें खून बहता देखा जे, है जे, वो ये कह है सकते हैं कि यार ये हमारे साथ ये आफत हुई और फिर उसके mm -hmm. बाद खुशहाली आई है कि जो जिन्होंने अटैक किया था वही फिर मुसलमान हो गए थे और mm -hmm. तो फिर सऊदी न्यूबी भी आया लीडर right, आए right, सब right, कुछ सो right, right. so, uh, तारीख़ जो है ना डजन स्टार्ट विद वन वी वर बॉर्न तारीख़ है स्टार्टड यू नो मच मच लॉन्ग गो एंड आई थिंक इसमें हमें ना हिस्ट्री पढ़नी चाहिए देखना चाहिए कि हिस्ट्री में ओलामा ने और मुस्लिम उम्मत ने इन इन साइंस को कैसे देखा है एंड जैसे मैंने आपसे कुछ छोटी सी वो मिसालें शेयर की अगर हम तारीख देखेंगे ना कि इन साइंस को हमेशा हर दौर में मुसलमानों ने ना अपने दौर के साथ ही जोड़ा है right, right. राइट राइट हाँ और उसके साथ फिर बहुत बड़े बड़े कदम भी लिए हैं यानी आप खुद सोचें कि जिन लोगों ने लिटरली अपनी जानें दे दी hmm. आ, ये समझ के कि हाँ ये वक्त अब आ गया है वो राइट Right. तो उस लेवल ऑफ सर्टनटी उनके अंदर सब्जेक्टिवली yes, कितना था yes, yes. बहुत ज़्यादा सर्टनटी था सो so इसलिए हमारा काम एज रिस्पॉन्सिबल पीपल एज पीपल ऑफ नॉलेज इज के जब हम उनके अंदर वो देखें कि यार ये या आ गया हो गया तो हम उनको uh, बताएं कि नहीं यार शायद ये पॉसिबिलिटी भी है शायद ये भी है शायद ये भी है, है। hmm. ताकि ऐसा कोई बंदा हाँ. कदम ना उठा ले right. जो right. रिग्रेट करे फिर Bilkul मैं आपको बताऊं ये जो फिनना हुआ है ना खास तौर पे दाइश वाला hmm. इसमें हम लोग जानते हैं लोगों को right. जिन लोगों ने ये कदम उठाया है और रिग्रेट कर रहे हैं रिग्रेट अभी भी कर रहे हैं उन उनके वो जो पीछे घर वाले छोड़ के गए हैं वो रोते हैं उनके लिए एंड ये बहुत बहुत बड़ा फितना है सो वी yes, हैव टू बी वेरी केयरफुल ये दिस इज प्लेंग विध फायर ठीक है हम अपने नौजवानों को जो है ना ये चीज़ें बताएं सिखाएं hmm. जरूर बताएं जरूर hmm. सिखाएँ hmm. क्या हाँ ये पॉसिबिलिटीज है लेकिन पॉसिबिलिटी तो क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है कि आप किसी लीडर को पॉइंट आउट कर दें कि इसकी तरफ जो हाँ, जारा है ना तो उससे ना अच्छा, एक और एस्पेक्ट है देखने वाला वो ये है कि ये जो अहादीस आपने ज़िक्र की है ना उम्मत के मसायल का जो हल है ना वो इन अहादीस पर डिपेंडेंट नहीं है ये बड़ी अहम बात है यानी कोई बंदा ये कहे ना कि यार मुझे अपनी प्रॉब्लम्स का हल इन्हीं हदीसों को इंटरप्रेट करने के साथ ही मिल सकता है ठीक है क्योंकि अगर ये होता ना अगर ये इन पर डिपेंडेंट होता हुँ, हुँ। तो अल्लाह के रसूल असम इनकी वजाहत खुद कर देते और इनको पर्टिकुलर टाइम के साथ रिलेट कर देते लेकिन आपने नहीं किया देखें मिसाल के तौर पर हम पर हमला हो जाता है अल्लाह ना करे या फिर उम्मत उम्मत मुस्लिमा के हालात ख़राब हो जाते हैं जंग जंगें शुरू हो जाती हैं ये सारा कुछ मामला शुरू हो जाता है इन अहादीस की वैल्यू एडिशन कहाँ पर होती है इसलाह के परस्पेक्टिव से अगर आप बात करें तो वैसे तो है वैल्यू एडिशन कि हमारा ईमान मज़बूत होता है और हमारे अल्लाह के रसूल वसल्लम की सदाकत पर यकीन होता है वो तो है लेकिन प्रैक्टिकली क्या हमारा दीन यानी जो सोल्यूशन है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है नहीं ऑलरेडी सोल्यूशन मौजूद है कि आपने करना क्या मिसाल के, के तौर पर जिना आम हो जाएगा हदीस बताती है बहुत अच्छी वेल एंड गुड बताती है हमारा ईमान मजबूत होता है हम उसे सीखते भी बट सोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है।, है। तो प्रॉब्लम जो अहमद भाई बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लोगों ने समझा कि इन आदीश, इन अहादीस की बेसिस के ऊपर हमने एक्चुअली एक्ट act करना है एक्ट आपने हालात के मुताबिक शरीयत की गाइडलाइंस को देख के करना आपने इन हादीस को देख के नहीं करना okay. कि जी अच्छा हदीस में आया था कि मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ हुआ ये मैं इसका बताता हूँ जहामान का जो वाक्य है ना अहमद भाई इसमें हुआ ये कि जहैमान का वाक्य के अंदर इन्होंने क्या किया कि सेल्फ फुलफिल्ड ने बनाई थी कैसे बनाई थी हादीस में जो महदी के हवाले से आया ना कि वो बैत लेंगे फलां जगह पर वो बंदा चूँकि उसने हदीस पड़ी हुई थी और वो बंदा

आप यकीन करें कि उन्होंने एग्जैक्टली exactly वही काम किए जो कि अहादीस में मौजूद है हालांकि हमें यानी जो वक्त बताता है कि वो मेहदी नहीं थे सही। क्योंकि अगर महदी सही। होते तो अब तक तो बड़ा कुछ हो चुका था जी जी तो महदी आने वाले लेकिन उन्होंने वो सारे एक्ट्स क्यों परफॉर्म किए दे वेटेड फॉर गालिबन हदीस में आता है कि जोहर की नमाज के बाद वो बैठ लेंगे इमाम महदी देर वेटिंग फॉर जोहर की नमाज के जोहर की नमाज के बाद होंगे फला जगह पे होंगे वो वहाँ पे वेट कर रहे थे था वो लड़का कुरेश में से था उसने क्या किया उन्होंने क्या कियाचुअलीफिल्डे प्रोफेसी के तौर पर उन्होंने ये काम किया तो अगेन बात यह है कि ये प्रॉब्लम है

यानी दीन इटसेल्फ कंप्लीट है उनके मतलब यानी दीन अगर वो ना भी किसी को साइंस ऑफ द आवर पता करे तो सॉल्यूशन गाइडेड ऑलरेडी मौजूद है तो इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए ठीक है एक, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आजकल बहुत से लोग इस हदीस का सहारा लेके कहते हैं कि यार दिस इज द एज ऑफ इनएक्टिविटी जितना आप इनएक्टिव रहेंगे मैसेस के अफेयर्स से दूर रहेंगे और यू विल यू नो कन्फाइन योर सेल्फ़ टू योर होम्स उतना ही आप बच जाएंगे और आपकी फैमिलीस बच जाएंगी एक ये हदीस और दूसरी इस हदीस का सहारा कि एक टाइम आएगा कि मोमिन की जो बेहतरीन प्रॉपर्टी होगी वो कुछ बकरियाँ होंगी और वो उन्हें माउंटेंस में ले जाए और वहाँ पर वो टहनी चबाता रहे यहाँ तक कि उसे मौत आ जाए ये मेरे ख्याल हजरत उज़ैफ़ा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये हदीस मैं एग्जैक्ट कोट कर देता हूँ Uh, ये जी अबी अबू दाऊद की हदीस है और uh, सही इसको दर्जा इसका सही है सून देर विल कम अ टाइम इन विच द पीपल आर सिफ्टिड एंड ओनली द ड्रैग्स ऑफ ह्यूमैनिटी रिमेन देयर कॉविनें एंड ट्रस्ट आर डिसऑर्डर्ड एंड देयर सेट अगेंस्ट ईच अदर सहाबा सेट हाउ शुड वी बी ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह द प्रॉफिट सल्लम सेट कीप टू वट यू रेकगनाइज एज गुड एंड लीव ऑफ वट यू रिकोगगनाइज एज ईवल टर्न योर अटेंशन टू योर पर्सनल अफेयर्स एंड लीव ऑफ द अफेयर्स ऑफ द मैसेज अहमद uh, भाई कुछ मैं मैं सुन रहा था एक स्कॉलर के कुछ सहाबा ने ये जो ऐसी हदीस है ना कि पब्लिक ओपिनियन से बचो और ज़रा इनएक्टिव हो जाओ और सब्र इख्तियार करो उसको उस दौरे फितन में भी अप्लाई किया था जो सिविल वॉर्स मुसलमानों के दरमियान जो हुई थी व्हाट डू यू थिंक कि ये हदीस क्या इनएक्टिव हो जाए हम ना ओपिनियंस दें पॉलिटिक्स में मतलब कोई पॉलिटिक्स को एनालाइज ना करें और बस अपनी फ़िक्र करें क्या वो दौर आ गया है देखिए मेरा तो ख़्याल है ऐसे नहीं है अच्छा ख़ास तौर पर देखें जब हम लोग आ, हमारे पास एक खत्ता है है। जो हमने इस्लाम के नाम के ऊपर लिया है और आ, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी यह दावा किया कि हम इधर कुरान सनत को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर यहाँ बैठ जाना हाथ पे हाथ रख के और अपने 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 आप को इनकेपेसिटेट कर देना और पैसिव कर देना अपने आप को और फिर इस हदीस का सहारा लेना ज्यादी है क्यों क्योंकि आज अगर आप अपने जो अफेयर्स हैं उनके ऊपर आपको आपको अभी इजाज़त है बोलने के लिए आपको जैसे भी होता है इलेक्शन होता है फॉर एग्जांपल आपको आप कहा गया है कि अपनी आवाज़ उठाओ वगैरह यानी इस किस्म का माहौल नहीं है कि इंसान जो है बिल्कुल ही बंद हो जाए घर अपने घर में बंद हो बैठ जाए सही। और यू नो एक पैसिव अप्रोच अख्तियार कर लें देखें रसूल वसम ने यह भी कहा ना कि ولا ي... ولا जो आदा आदा हम। हम। के नहीं। नहीं। जो मोमिन है जो खलत मलत होता है लोगों में यानी लोगों में घुलता मिलता है और उनकी ईदाह के ऊपर सबर करता है यानी जो भी उसको हाम पहुँचता है ईमानी लिहाज से या किसी किस्म का भी हाम पहुँचता है घुलता मिलता है लोगों में उससे और सब्र करता है उसके ऊपर यानी दावत का काम करता रहता है यानी हक़ हाँ की तलकीन करता रहता है जो कि सूरत असर के अंदर हमारे ऊपर वाजिब है हक़ हाँ की तलकिन करना वो करता है वो उससे बेहतर है जो बिल्कुल घुलता मिलता नहीं है और है। वो सब्र नहीं करता सो ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें जो है ये दोनों अदीस जो है वो इन कॉन्ट्रोडिक्शन है ये हदीस जो है ना ये मेरा ख्याल है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ फितना के बारे में बात हो रही है कि जहाँ पे आपका करना जो है उससे और ज़्यादा फितना क्रिएट होगा Hmm. तो उसमें इंसान बेहतर है कि वो बैठ जाए hmm. तो मेरा तो नहीं ख्याल कि जिधर हम हैं अभी उधर right. बल्कि इधर right. तो जरूरत है right. कि लोग बाहर निकल hmm. और बात करें और आवाज़ उठा और हक की तलकीन करें अरे मैं इस पर ना एक और चीज़ थोड़ा सा हदीस के अल्फाज पर अगर आप गौर करें ना हदीस में बात हुई है फितने की राइट फितने के मुख्तलिफानी है एक फितने का मतलब जो है वो जंग भी है अजाब भी है और भी है और इसी तरीके से एक फितने का मतलब जो है वो आज, आ, यानी कन्फ्यूज़न और आ, डाउट्स और शबहत भी हैं. हैंम जो अदीस को सामने रखें तो ये बात पता चलती है कि बेसिकली ये उन जगहों पे है उन मामला में है जब इंसान में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो और डाउट्स हों और यानी मुसलमानों का ये पता ना हो कि मुसलमानों को मेरी इस एक्टिविज़म से मुसलमानों को नुकसान तो नहीं होगा या फिर ऐसा मामला हो जिसमें दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हों अब समझ ना है किसका साथ दें तो आपने जो बात की थी साहबा ने अप्लाई किया था वाकई उन्होंने कहा था कि यानी वो अपने आप को उन्होंने फितने से दूर रखा इस चीज़ को सामने रखते हुए कि ये फितने का हम पार्टनर बने किस तरीके से अगर इस परस्पेक्टिव से देखें फिर तो बात बिल्कुल दुरुस्त है फिर तो बंदे को क्या दुनिया के किसी और कोने में चाहे कि मेरी किस तरीके से इन्वॉलमेंट ना हो या कॉन्ट्रीब्यूशन ना हो मुझसे जनरली लेकिन एक है प्रस्पेक्टिव जिसमें जंग है यानी मुसलमानों पर हमला हो रहा है आप इमेजिन करें मुसलमानों पर हमला हो रहा है और आप बैठे में और, आप के, दौर जी, दौर मैं और भी, दोनों जी मैं भाग के जनाब अपने आप को बचा लूं किसी तरीके से ये तो अल्लाह माफ़ करें हाँ। ये तो ये तो बुजदली है और इसके बारे में दूसरी आयात और अदीस सामने इसीलिए वो अगर तमाम अहदीस को और तमाम पूरी पिक्चर को पूरे फ्रेमवर्क को सामने रखे ना फिर वजाहत हो जाती है तो इन माई हम्बल ओपिनियन के ऐसा फितना जिसमें डाउट्स हैं और ये सहाबा ने पूछा था अल्लाह के रसूल मुसल जब लड़ाई होगी तो उस वक्त हमें क्या यानी हमें अगर पता ना हम क्या आपने फरमाया अपनी तलवार तोड़ जी अगर वो बंदा मुझे हमला करे मार दे आपने कहा वो तेरा गुना भी उठाएगा मतलब ये कि इंडिकेशन मिलती है जैसे मुसलमान एक दूसरे से, से यानी सिविल वॉर की बात है सही. तो सिविल वॉर जब मुसलमान आपस में अख्तिलाफ़ हो मुसलमानों के इस माम झगड़ों के अंदर एहतजा जो है ये पसंदीदा है कि जी मैं आपकी किसी लड़ाई में नहीं पाटूँगा मैं इस्लाह कर सकता हूँ तो ठीक है इसला नहीं कर सकता तो मैं निकलूँगा यही वाली बात है लेकिन अल्लाह माफ करे कुफर के मुखालिफ खिलाफ जो अगर करना और आप ये देखें कि तमाम अहदीस में एंड ऑफ द टाइम्स तक उन लोगों की बशारतें हैं जो बाकायदा जिहाद करेंगे तो सवाल ये है। है कि जब दज्जाल आएगा उससे बड़ा फितना क्या है ठीक है ना अगर अल्लाह के रसूल ने बकायदा हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा हुक्म दिया कि दज्जाल से भागो और साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम होंगे तो हम ये करेंगे आप सब ने कहा कि आपने उनको समझाया कि अल्लाह के बंदो तुम्हारी सोच है मामला इससे बहुत बड़ा है और लेकिन इसी के अंदर इन्हीं हमें एक उस बंदे की वो बन, बंदा मोमिन की हमें हदीस में मिसाल मिलती है जो आएगा सामने कन्फ्रंट करेगा दज्जाल को और आपने कहा कि उससे बेहतर ज़मीन में फिर उस वक्त कोई नहीं होगा नहीं। तो इन अदीत को सामों सारों के सामने रखें तो अगेन वो लोग जो इस लेवल पे पहुंच के जो समझते हैं कि जो कंफ्यूज हैं डाउट्स है समझ नहीं आ रहा है कि मेरा मैं क्या करूं तो ऐसा बंदा अगर टाइम लेता है अपने आप को रिस्ट्रेन रखता है और अनलेस की चीज़ें उसके सामने क्लियर हो जाती हैं वो तो करे लेकिन जिस बंदे को सारा पता है कि यार ये कुफर है ये अच्छा। गंद हो रहा है ये ज़्यादती अच्छा। हो रही है मुसलमान अच्छा। मारे जा रहे हैं और कुफर के खिलाफ लड़ाई हो रही है जिसमें कोई शक ही नहीं है वहाँ पर तो ये बुजदली है मैं समझता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग और यूथ का बड़ा इंटरेस्ट इसमें होता है फातमा बिन कैश सला हाँ मरवी सही मुस्लिम में कि उनसे साहबी ने पूछा कि ऐसी कोई बात बताएं जो डायरेक्ट सुनी आपने रसूल सल वसलम से तो वो तमीमत दारी वाली बेसिकली ये हदीस है इसकी बहुत डिटेल है लेकिन ये कि मैं इसके बस एंड वाले जो है ना वो पूछना चाहूँगा एक तो जाहिर है कि उसने जो साइंस पूछे तमीमत दारी से द ने कि रिवर तिब्रियस के बारे में बताओ गा, गार्डन ऑफ बेसन के बारे में बताओ फिर hmm. एक और रिवर के बारे में गालिबा पूछा फिर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, पूछा बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की बी होल्ड ही द चाल इज़ इन दिस सीरियन सी मेडिटेरेनियन

ये हमारा अरेबियन सी आता है हालांकि इसमें यमन सी का जिक्र है कि नहीं वो नहीं है क्योंकि नबी बाद में कहा ना ही इज इन द ईस्ट ही इज इन द ईस्ट तो वो कहता है कि ईस्ट पे तो जो है ना वो अरेबियन सी ही आ रहा है अगर देखा जाए और उसमें एक आइलैंड है वहाँ पे काली माता का जो है ना वो आइलैंड पाकिस्तान दरबार है जी जी बिल्कुल तो वो बहुत निकालने लगे एग्जैक्टली तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस के ही इज इन द ईस्ट लोकेशन तो देखें बता दिए ना क्या इसकी खोज लगाना या ये एक इंटरेस्ट शो करना कि यार लेट्स डिक डीप इनटू दिस क्या ये ख़तरनाक फील्ड है या इट कैन बी डन मैं आप ही से सवाल पूछूंगा कि वो <laughs> द जाल को ढूंढना चाह रहे हैं हुँ. क्या कुछ सलाम करने के लिए <laughs> क्या मतलब मैं मैं पैगाम पहुंचाना है तो यही पूछूंगा कि भाई आप भाग जाओ हाँ हाँ लेकिन आप खोज में लगे हुए तो अपने नक्शे निकाल के की अच्छा यहाँ पे है यहाँ जी पी सिग्नल कहाँ पे आ रहा है तो यानी देखिये रसूल ने इस हदीस के अंदर ही तीन जगहों का जिक्र किया लेकिन ताक़ीद जो है वो मशरक की तरफ की है ठीक है तो पहली दो चीजें ठीक है ना दो आपने कहा ना मेडिटेरेनियन की बात की उन्होंने फिर उन्होंने अरेबियन सी की बात की और फिर उसका जिक्र किया मशरक का और तीन दफा उसमें ताकीद की ये तो बात शायद रिवायत से पता लगती है कि अगर उन्होंने मशरक की बात की तो अरेबियन सी नहीं है इसमें हुँ, हुँ. क्योंकि सी एक तो नंबर वन उन्होंने अलग से मेंशन किया दूसरा सी जो है साउथ में है सी साउथ में ईस्ट में, हुँ, में हुँ, नहीं हुँ, है बिल्कुल सो आलम मुझे नहीं पता खोज में लगाया आपने बात की बजाए के आप इस इस बात अपने करना है 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 फिर अपने जो ईमान आपसे करता है जिन चीजों का कि इंसान चीज में लगा हुआ और वो जो इस तरह चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल अपने ईमान ईमान आप... को पे काम करना और इस्लाम के लिए अपने ईमान के लिए जान देने के लिए आप रेडी हो जाना ये इंसानूंगा जो असल में इस बारे में ईस्ट से निकलेगा या ईस्ट में है यानी यानी मुराज अल्लाह के सोलन का बल हुआ खबर बरमशर मिनखी बरमशरी मशरक़ की तरफ है तो क्या मुराद वहाँ से निकलेगा क्योंकि ये अदीस मिलती है हमें कुछ और उसकी कुछ सेहत है कि जिससे पता चलता है कि वो यहूदिया इलाका खुरासान से आएगा रवायात से हाँ जी तो वो ईस्ट वो ईस्ट है वो तो कन्फर्म है ओके और ईस्ट में वैसे इसके अलावा कोई समुंदर ही नहीं क्योंकि यमन का जो सी था और जो मेडिटेरेनियन सी था इन दोनों का हुँ, आप सब सबने इसका इनकार कर दिया ठीक है ना शाम का सी जो है मेडिटेरेनियन है जो नॉर्थ पे आता है और ये अरेबियन जो आपका साउथ पे आता है लेकिन उसका एक पार्ट जाहिर है वो कनेक्ट होता है आपके एस्टोला आइलैंड से जिसके बारे में आपने बताया ना कि पाकिस्तान का आइलैंड है जहाँ जो ईस्ट बनता है जो एग्जैक्टली ईस्ट बनता है यानी असल में वो ये करना चाह रहे हैं कि वो उन्होंने ये दिया हदीस से कि वो किसी आइलैंड पे है तो उन्होंने देखा ईस्ट पे आइलैंड जो है वो नियर बाय जिसमें वो कुछ दिनों के लिए कर सके वो एस्ट्रोल आइलैंड ही बनता है ज्यादातर करीबी से ज्यादा नहीं बनता अगर आगे और ईस्ट चले जाएंगे सारे ये 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 आइलैंड सारे सारे जो आप मैप, मैप निकाल लें तो उसमें बकायदा ये बकायदा पॉइंट आउट भी किया हुआ तो असल में बात यह है कि ये अल्लाह के रसूल ने वजात नहीं की तो इससे जो मुझे आलम समझ आती है कि आपका मतलब ये था कि यानी वो वहाँ से निकलेगा अभी कहाँ पर है वह आलम यानी उसका खरूज ईस्ट से होगा लेकिन यानी वो अभी है पे आलम इसके बारे में। hmm. एल, लगता है, यानी, महसूस ही होता है।, बाकी right. है कि इसके साथ साथ एक और चीज़ है कुछ लोग इसको वो भी, कहते, उसे भी जोड़ते हैं आपका उसका कोई ताल्लुक ही नहीं से बनता ओके ये ये हदीस मुझे एक सिस्टर ने ही सवाल किया कि ये ऐसा क्यों है देखें द जाल के बारे में आता है ना किनाथ हमदर्जा उन्होंने पूछा कि ये क्या बात है बहुत ज्यादा चांस है या जैसी मूवमेंट्स आज कल चल रही हैं टू करप्टर वूमे गिविंग यू आर नॉट फ्री फ्रीडम की तरफ और डिसेप्शन है सारी दैट्स द रीज़न मेनली

बेडवें अरब बेडवेंस होंगे वो सबसे ज़्यादा फॉलो करेंगे hmm. असल में औरतों को देखिए मकसद क्या होता है ये बहुत अहम बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी बताते हैं ना कि फ्लां अगर आप कहते हैं कि ये पार्ट ये सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी यह पॉपुलेशन जो है वो फॉलो करेगी या फितने से मुतािर होगी hmm. मतलब ये कि वल्नरेबल है hmm. इससे मुराद कोई किसी को कम करना नहीं है इसे hmm. मुकाबलाबाजी नहीं है कि जी मर्द नहीं होंगे औरत हो जाएगी क्योंकि उसमें कोई कमी है मतलब आम तौर पे इसी सवाल किया जाता है इसका मतलब ये नहीं है मुराद ये है कि वल्नरेबल है मसा खुवा का वल्नरेबिलिटी के, मतलब के, के बारे में पता है कि बाज़त जल्दी मुतासर हो जाती है क्योंकि हैं क्योंकि देखें घरेलू मामलात हैं उसको नहीं पता कि सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है आम तौर पर मर्द जो सोशलाइज कर रहा है बाजा अकात उसको बाजाओक मैं ये नहीं कह रहा हर अबार से बात उसको ज़्यादा चीज़ों का पता होता है हालात हाजरात से बाजा वाकिफ़ होता है तो इसी इग्नोरेंस खातिन के जो सोशल मामला में इग्नोरेंस है शायद वो वनों रीजन है क्योंकि जो बेडविन के बारे में उलमा ने जिक्र mm -hmm. जो हदीस में आता है ना mm -hmm. उसके बारे में उलमा ने जिक्र किया है mm -hmm. कि उसकी वजह यह कि उनकी जहात उनको right. पता ही नहीं है वो बेडविन वो सहराओं में रह रहे हैं उनको पता क्या हालात वो देखेंगे एक बंदे को कहेंगे यार mm यही -hmm. खुदा सब कुछ है मुतासर हो जाएंगे जल्दी तो कहने का मतलब है इससे हाँ मुतासर बात है तो वेरेबिलिटी की बात है इससे असल मकसद क्या है खुवान जरा केयर करें कि फितने दजाल से बचें सबसे ज्यादा कि और मर्द भी है मैंने कहा मर्दों की तो बहुत सी हदीस और भी मौजूद है जरूरी नहीं कि एक ही हदीस में दोनों का इजीली कंपेरेटिव इसके साथ जिक्र आए तभी

जैसे अभी बहुत से इवेंट्स देखने में आए हैं कि एक ब्लॉक बन रहा है मुस्लिम ब्लॉक भी बन रहा है फिर इसराइली ब्लॉक भी बन रहा है टर्की का कहते हैं कि पैक्ट खत्म होने लगा clash है of वो civilization लगा। तो देर इज़ चांस अज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और मे बी इन अटोमिक वॉर हो कुछ लोग वो हदीस लेकर आते हैं कि इट विल ऑल स्टार्ट विद अ स्मोक जो मेजर साइंस हैं वो स्टार्ट स्मोक से हो रहे वो कहते हैं कि वो ये भी हदीस है कि छः साल द से छ साल पहले जो है वो हियर्स ऑफ वॉर बहुत बड़ी wars है। hmm. और एक और हदीस वो लाते हैं कहते हैं कहते कि दजाल से पहले famine भी आएगा hmm. global famine, yes. बहुत ज़्यादा तो वो सारी चीजों को रिलेट कर रहे हैं आज के current affairs के साथ लेकिन मैं आपको जो है ना ये पॉलिटिकली थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए ऐसे ना हो हाँ, हाँ, क्योंकि जो इंसानों के पास इस वक्त मिलिट्री माइट और पावर है ना hmm. वो इतनी खौफनाक है कि खुदा ना खासा अगर इस तरह इस लेवल की जंग हुई ना yes, yes, yes. तो जो तबाही है उसका हम तस्वर भी नहीं कर सकते पारना, 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 पारना. यानी, absolutely, absolutely. तो आ, ये कभी भी वी शुड नेवर विश फॉर सम लाइक दिस और इंसानों को यू you नो know, मिल बैठ के कभी भी यानी इस किस्म का इस किस्म की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए हुँ। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि आजकल क्या हो रहा है एक बात बहुत क्लियर है हुँ। कि एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है क्योंकि देखें आ, हम अभी आज से पॉजिटिव और आई थिंक स्केरी है ज्यादा स्केरी इसलिए बिकॉज जब चेंज होता है हमें नहीं पता वो किस किस्म का चेंज आने लगा सो right, so, right. उसकी एंटिसिपेशन जो है वो स्केरी है देखिए हम ना कोल्ड वॉर में हम एक बायपोलर वर्ल्ड में रह रहे थे जहाँ के जहाँ पे दो सुपर पावर्स जो है ना वो आपस में उनकी एक कोल्ड वॉर थी right. और जो छोटे छोटे मुल्क थे ना वो बचे हुए थे क्यों क्योंकि कोई किसी के साथ साइड कर रहा था सो हाँ। so, थे एंड अमेरिका थे वर्ल्ड वार टू के बाद उसके बाद आप देखते हैं कि अफगान वॉर के, के बाद यूएसएसआर जब टूटा है अब एक यूनिपोलर वर्ल्ड आ गई है Uh, खास तौर पर नाइन के अंदर यूएस का बहुत ज़्यादा एक है hmm. अब आप दोबारा देख रहे हैं कि राइज ऑफ चाइना है जिसकी वजह से जो है ना अब दोबारा हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ hmm. जा रहे हैं hmm. अब जब भी ये काम होता है ना द शिफ्टिंग ऑफ सुपर पावर्स तो बहुत पोटेंशियल होता है तबाही का hmm. तो इस वक्त फॉर एग्जांपल यूएस एज ए सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इट्स नॉट गोइंग टू गो डाउन विदाउट अ फाइट राइट तो अभी एक पेट्रो डॉलर वाली डॉलर इकोनॉमी जो है वो उनका एक कंट्रोल है जो चाइना ख़त्म करना चाहेगा उसके बाद अमेरिका ने एक लिहाज से रशिया को यूक्रेन में फंसाया हुआ है हाँ। ताइवान के ऊपर जो है अमेरिका चाहता है कि वहां पे साउथ चाइना सी के अंदर जो है चाइना को इंगेज किया जाए और वहां पर उनको पकड़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि देर आर पीपल खास तौर पर अमरीका में जो चाहते हैं कि यार हो क्योंकि वो है सात समुंदर पार एटलांटिक ओशन के दूसरी साइड पे यूरोप में और साउथ ईस्ट एशिया में चाइना में अगर जंग जंग होती है तो उनको फ़ायदा होता है एक तो उनका वेपन वेपन स्टॉक बिकता है उनका और उनके जो कोट एंड कोट दुश्मन है वो hmm. कमज़ोर होते हैं hmm. दूसरी बात यह कि आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर ना hmm. अब ये बातें डिस्कस होने लग लगी जिसको ये कहते हैं द ग्रेट रीसेट hmm. मैं कहूँगा सब इसको सर्च भी कर लें द ग्रेट रीसेट क्या okay. है द ग्रेट रीसेट ये आइडिया है कि अब हमें ना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहिए Right. जो कि एक वर्ल्ड ऑर्डर ये लेके आए थे वर्ल्ड वॉर टू के बाद hmm. जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश हुआ जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ जहाँ पे आईएमएफ एम एफ इस्ट वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश हुआ, हुआ ये सारे जो ना, है ना पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने ग्लोबल लेवल के ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना वो उन्होंने एक लेवल का ना एक ऑर्डर इस्टबलिश किया अब वो बिलीव करते हैं कि अब हमें ना एक शिफ्ट चाहिए तो right. ये द ग्रेट रिसर्ट जो है इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिलेंगे जहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि एक आइडिया बनता जा रहा है ये कि अब एक इंटरनेशनल हुकूमत चाहते हैं लोग hmm. इंटरनेशनल हुकूमत से मुराद ये है कि बस सेंट्रलाइज हो हर चीज़ और हर चीज़ कंट्रोल की जाए तो इसके ऊपर काफ़ी यू you नो know, तफसील से हम बाद में बात कर सकते हैं लेकिन कुछ रियलिटीज़ हैं जो स्केरी हैं एंड अब जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से गवर्नमेंट्स के पास इतनी पावर है इतनी पावर है इतना कंट्रोल yes. का उनके पास मेकनिज़म yes. है आपके ये फ़ोनस वगैरह के जरिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना में उन्होंने कुछ शहरों में आ, जो सोशल सोशल स्कोरिंग सिस्टम्स बनाए हुए हैं सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चाइना में एक जर्नलिस्ट है जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी उससे डिसग्री करता है या उनके खिलाफ लिखता है तो वो क्या करते हैं उसके मोबाइल पे जो स्कोरिंग है ना उसकी सोशल स्कोरिंग जो है वो नीचे कर देते दे, डाउनग्रेड कर देते अच्छा उससे क्या होता है उससे वो बंदा जो है वो अपनी ग्रोसरीज नहीं खरीद सकता अच्छी प्राइस रही, पे रही। वो टैक्सी नहीं ले सकता वो आ, शहर से बाहर नहीं जा सकता हालांकि उसके ऊपर किसी ने आके उसको जेल में नहीं डाला हुआ बिल्कुल उसका स्कोर जो है वो लो है और हर चीज़ जो है वो ऐप के ज़रिए पे होती है तो जब वो फॉर एग्जांपल टैक्सी वाले के पास जाता है और वो पे करना चाहता है वो चलता ही नहीं है उसकी पे टैक्सी वाले को फेर ही नहीं जाता नहीं। और टैक्सी वाला भी कहता है यार मैं क्या करूँ तुम पे ही नहीं कर सकते उन्होंने इस तरह लोगों को ना इस लेवल ऑफ कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं तो ये ये कुछ रियलिटीज़ हैं जो स्केरी हो सकती हैं hmm. और फिर ये पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात करते हैं फूड yes. सोर्सेज को कैसे कंट्रोल करना है इन्होंने फिर यू you नो know, ये जी uh, एम जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड hmm. uh, है उनको hmm. कैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस करना है तो ये मतलब स्केरी रियलिटीज़ hmm. हैं Very लेकिन impression. अली भाई इसमें ये भी मैं कहूँगा कि देखें अल्लाह तला की ताकत पारल दुनिया को रूल कर रही है और अल्लाह ने ये चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं रखी और हमारा सबसे बड़ा होप और उम्मीद यही है यह कि अल्लाह ताला अल्ला इस निज़ाम को चला रहे हैं ठीक तो है तो और अल्लाह ताला अल्ला हर दिन नए नए जो है ना मामला चल रहे हैं कुल्ला यमिन हुआ शान ठीक है ना तो इससे पता ये चला कि अगर चाहिए मामला वाकई बहुत और बंदा वाकई बहुत एकदम ऑप में भी आ जाता है और बंदा समझता है कि पता नहीं क्या होगा ऐसी कोई बात नहीं है इंशाल्लाह मायूस नहीं हम अहदीस पढ़े ना अशरतुल सा इट्स अ प्रीटी नेचुरल वर्ल्ड दैट इज़ गोइंग ऑन ठीक है ना तो ऑल दो तो तो उसमें लड़ायाँ हैं उसमें तबाहियाँ भी हैं उसमें कत्ल वारत भी है ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हैं लेकिन उसके साथ साथ अहले ईमान भी एग्जस्ट कर रहे हैं नेक लोग भी एग्जस्ट कर रहे हैं यानी खैर भी है उसमें भलाइयाँ भी हैं उसमें ईवल भी है मतलब ये सारी यानी तिलकल अयामदाबी अन्नास का प्रिंसिपल थ्रू आउट अल्लाह ने एंड तक रखना अच्छा जिस दिन ये प्रिंसिपल ख़त्म हो गया ना कि कुफर ही कुफर है और हक़ खत्म हो गया क्या आ जाएगी तो ऐसा होगा नहीं जब तक क्या मत है क्या से पहले ये ऊंच नीच होता रहेगा यानी खैर के साथ शर भी वस्ता है और शेर के साथ खैर एसोसिएटेड है यानी जब शर बहुत ज़्यादा आएगा तो अल्लाह अपने बंदों को भी खड़ा करेगा कुछ और बाज़त अल्लाह अपने दुश्मनों से भी खैर निकलवा देता है तो हो सकता है कि वो अपनी तरफ से ईवल कर रहे हैं उसे खैर निकल आए हमारे लिए उम्मत के लिए इन ये भी इस पर उम्मीद भी मेरा ख्याल तो रखना क्योंकि पॉलिटिकली मैंने सवाल इसलिए भी किया जी कि जी। एक हदीस में आता है कि जैरूसलम का दोबारा से आबाद होना और मदीना का खराब मदीना का वो ऐसे है खराब होना आपने आ... कहा के, के का असल में मदीना की खराबी है मदीना की खराबी बेसिकली जेरो की जो है आबादी है और फिर एक हदीस में आता है कि तीन स्पेसिफिकली शाम यमन इराक इन पे सेंशन लगेंगी और इनमें तुम आ, मतलब बहुत सा टर्मोइल देखोगे तो वो भी रिलेट किया गया कि मेहदी से रिलेटेड अच्छा बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई कि एक महदीस पढ़ रहा था वो अभी सदी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ऐसे हालात बहुत खराब होने जाए फितने हुए तो तुम शाम की तरफ हिजरत कर जाओ ये बड़ा अजीब बात है कि शाम है। हाँ जी बिल्कुल अब सवाल ये कि शाम की आपने कहा वहाँ पर अमन और अमान मिलेगा तुम्हें सवाल ये वहाँ पर अमन कहाँ से तस्वर नहीं है बंदा को सब चेहरा में तो तबाही जो फैली हुई है तो अगेन वही मेरी बात है कि ऐसी रियालिटीज़ हैं इनकी हिमतों को अल्लाह ने रखा हुआ लेकिन ये वा, वा होंगी और हमारे ये भी जिक्र किया है साइंस ऑफ आवर ना यानी जब होंगे ना जब हो जाते हैं तो दुनिया को पता चल जा 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 जाता है कि अच्छा ये साइन ऑफ आवर हो गया है और नहीं ये नहीं देखें नहीं। ये वो वाली चीज़ जैसे आपने भी जिक्र किया कि अवाम उन्नास को भी पता चल जाता है लेकिन वो इतना एविडेंट होता है कि उसके बारे में डाउट नहीं होता कि यार पता नहीं हुआ कि नहीं होता वो इतना लोगों को पता चल जाता है यार अवामनास कह रही होती जैसे वो जो गर्दनों को रोशन करने वाली आग निकलेगीहद के पीछे से वो हदीस में आती है कि वादी से वो इतनी कॉमन थी लोग आगे कहते थे यार कि वो लोग बाकायदा रात को जनाब वो लिख रहे होते थे, थे उसकी रोशनी के अंदर और वो वो इलाका जो, जो वो इलाका है तो नहीं वो अवास को भी तो इन उम्मीद है कि ये चीज़ें इतनी टेक्निकल भी नहीं है और इनमें उम्मीद ज़रूर है यानी उम्मीद को नहीं हमें छोड़ना चाहिए जाक दई अंडरस्टैंड देखें आपका व्यू दोनों का बड़ा क्लियर है कि अभी वो दौर तो नहीं है कि बंकरस बनाए जाएँ या बिल्कुल ही सब छोड़ के माउंटेन्स की तरफ चला जाए और वी शुडेंट विश कि वो दौर हमारे उसमें आए लास्टली आम आदमी यंगस्टर क्या करे चलें बंकर्स नहीं बनाने माउंटेंस की तरफ नहीं जाना फिर क्या करे इस फितने से बचने के लिए जो साइंस हमारे सामने आ रहे हैं कुछ दो तीन ठोस चीज़ें आप आम आम एक नौजवान को क्या बताना चाहें कि ये करो जी देखिए अली भाई आ, हर आई थिंक ये सब्जेक्ट जो है ना सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है Uh, नौजवानों के लिए और ख़ासतौर पे जो लोग अभी शुरू शुरू में प्रैक्टिसिंग होते हैं उनके लिए बड़ी मोटिवेशन होती जी, है जी। uh, दीन पे आने की क्योंकि वो चीज़ें ये रिवायात पढ़ते हैं और अपने इर्गिद देखते हैं उनको होता है यार ये तो right. सब कुछ right. हो रहा है एंड आई थिंक वो ये बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है hmm. कि दिस मूव्स दैम इन टू ड्राॅइंग क्लोसर टू तो अल्लाह व तआला एंड आई थिंक वो फर्स्ट स्टेप है उसके बाद फिर अपना रिलेशनशिप अल्लाह ताला से बेहतर करना एंड देखें बंकर आपने बनाया हो लेकिन ईमान की हालत आपकी इतनी कमज़ोर हो कि आप उस बंकर तक पहुंच भी ना सकें <laughs> right. तो ये प्रॉब्लम है hmm. तो वो जो जो प्रेपरेशन है ना वो अपने बातिन की प्रेपरेशन है hmm. वो अपने बातिन से मेरी मुराद ये अपने अपने ईमान के ऊपर काम इस तरह करना कि खुदा न खास्ता अगर आपके ज़माने में ऐसा कोई टाइम आए hmm. तो आप इस पोजिशन के अंदर हो कि आप आ, चूज कर सको अल्लाह ताला को एवरी थिंग मटीरियल क्योंकि देखें जो दज्जाल का फितना जिस तरह रसूल ने बयान भी किया ना बड़ा खौफनाक है वो ऐसा है कि खाने के लिए कुछ नहीं है उसको सजदा करोगे तो खाना भी मिल जाएगा सो so, क्या हमारी ईमानी हालत इस किस्म की है हम लोग तो यार छोटे छोटे से फायदे के ऊपर बिक जाते हैं तो जो लोग आज यू नो अपनी ख्वाहिशात को काबू नहीं कर सकते जो लोग आज जो है नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो किसी दुनियावी चीज़ की वजह से किसी मटीरियल की वजह से वो भूल जाएँ कि वो दज्जाल का मुकाबला कर सके जितने मर्जी बंकर बनाए और जितनी मर्ज़ी जो है ना ए आर फिफ्टीन राइफलें रखी हुई आपने यानी काम जो है ना अपने बातिन पे करने वाला आई थिंक पहला स्टेप जो है वो बड़ा अच्छा पॉजिटिव होता है नौजवानों का कि वह दीन की तरफ आ जाते हैं लेकिन उसके बाद जो एक सीरियसनेस आपको चाहिए अल्लाह तला के साथ ताल्लुक जोड़ना है ईमान पे काम करना है वहाँ पे शायद कमी महसूस होती है और फिर शायद इन्हीं सेंसेशनइज़ चीज़ों के अंदर पढ़ पढ़ के बस इसी के अंदर घूमते रहना वो अच्छी चीज़ नहीं है अच्छा खी इसमें ना मैं भी ये कहूँगा कि जैसे उन्होंने बात की बड़ी अहम के बहुत सी चीज़ें जाहिर है इसमें दो ती, तीन चीज़ों में जिक्र करूँगा एक है इल दूसरा सबर और एक तीसरा है सेल्फ डिवेलपमेंट ये तीन चीज़ें अगर बंदा कर ले इसमें तीनों हदीस मौजूद हैं ठीक है, है। यानी पहली इल्म के साथ इसलिए क्योंकि कहीं कई अदादें पता चलती हैं जैसे पता चलता है कि खासतौर पर फितने के दौर में ना डाउट्स बहुत होंगे और फितने की एक मिसाल डाउट्स की है बहुत ज़्यादा हजरत ज़ैफ़ा भी ईमान के दी आपने फरमाया कि कि अगर तुम एक ओपिनियन को तुम समझो कि आज वो सही है और कल उसकी तुम मुखालफत कर रहे हो उसके मतलब तुम फितने का शिकार हो गए मतलब इस तरह की बहुत सी रिवायात आपको मिलती नहीं। 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 तो इस फितनों को बी अवेयर ऑफ वट इज़ हैपनिंग राइट नाउ सबसे पहले इल्म हासिल करें यानी इसके बारे में आंखें बंद ना करें डर के ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो जैसे ये सेशन है इस तरह की बाकायदा स्टडी करें जैसे अहमद भाई ने भी कुछ चीज़ें बयान की उनको स्टडी करें फितनों को स्टडी करें दज्जाल को स्टडी करें कि जी क्या क्या ताकि आप उसको अपने आप को बचा सकें दूसरी चीज़ है सब्र ख़ास पर हदीस में जो खासतौर पर इस दौ तो, यानी फ़िं के बारे में सब्र पर बहुत तनकीम की तलकीम की गई वो किसी भी तरह का सब्र हो सकता है वो लड़ाई से भी सब्र हो सकता है वो मुश्किल आप पर अल्लाह की तरफ से यानी हुक्मरानों की तरफ से अजियतें आ रही हैं उस पर भी सबर हो सकता है किसी भी तरीके से और वबर वही कर सकता है जिसके अंदर ईमान है और जकवा है और जो, जो वाकई अपने आपको सबर के लिए आज़म भी करता है सबर सिर्फ यानी उसके लिए आज़म और हौसला चाहिए अपने आपको ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए और तीसरी चीज़ जो ख़ासतौर पर एक हदीस में पता चलती है वो ये कहते हैं वो ये पता चलती है कि जब फितने बहुत ज़्यादा वारद हो जाएँ और आपको समझना है मैं क्या करूँ right. एक काम आप कंफर्म कर सकते हैं hmm. वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं hmm. यानी क्लोज़ डोर्स में बैठ के ठीक है स्क्रीन yeah, पे आपको right. नजर आ रहा है फितना और आप आपको समझ नहीं मैं क्या करूं एक काम तो कर सकते हैं ना अल्लाह ताला से तवक्ल करते हुए अपने दीन के इल्म हासिल करते हुए साथ अपने आप को सेल्फ डिवेलप करूँ मेरे मेरे नाना जान ने मुझे एक दफ़ा मैंने एक दफ़ा उनसे यही आलम दीन है माशा तो उनसे मैंने एक दफ़ा ये पूछा हालात बहुत ख़राब थे तो एक वक्त आया था पाकिस्तान में भी कि वो दीन यानी दीनदारों को ख़ासतौर पे बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है किसी भी पर्सपेक्टिव से अभी भी है वो हर जगह पे है कि जो भी बंदा होता है उसको किसी न किसी तरीके से अल्लाह माफ़ करे लोग मुखालिफ होते हैं वो करते हैं तो मैंने कहा कि माना जान मसला ये है कि अब क्या काम करें किसी जगह पर भी आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाते तो वट इज़ द टाइम यानी आपके ख्याल में आजकल का टाइम किस चीज़ के लिए उन्होंने कहा यह तैयारी का टाइम है अपने आपको तैयार करो पढ़ो समझो सीखो दस, दस। सेल्फ अपने जिस्मानी तौर पे अपने आप को ट्रेन करो हु? और अल्लाह तुम्हें खुद ही जिस्मानी तौर पे पर जिस्मानी तौर तो पे।, पे, पे अपने आप को ट्रेन करो इल्मी तौर पे अपने आप को यू शुड बी रेडी अच्छा वो अमल कब करना है डिफेंड कब करना है आगे कब मैदानी अमल में कब आना है वो कहते हैं खुद बता देगा कब इस पे करना है तो मैं कहता हूँ डिवेलपमेंट हदीस से आप सबसे अवाम्नास को छोड़ के इकसे तुम अपने को अपने जो है ना वो अपने नफ़्स के ऊपर खास तौर पर मिस हो गई आपने बल्कि हम एक पॉडकास्ट कर अंडरस्टैंडिंग सूरह कहा और आप दो को ही मैं चाहूंगा इन शाह इस <laughs> जी पे जी मैं लूँ इसके इसके जो स्टोरीज़ हैं है। उसमें बड़े लेसन्स हैं और इसका कुछ तो रिलेशन देखे ना अहमद भाई फितने के दौर क्या है ही एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो इस पर मैं चाहूंगा पूरा एक सेशन जो हम करें लेकिन अभी के लिए ये कि सूर कहा को अंडरस्टैंड करना और उसको पढ़ना हर जुम्मे ये मेरे ख्याल मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा जो है जरूरी हो गया जजाकला खैर ब्रदर्स इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन इवन मैंने भी सीखा

ठीक है ना कि बस मैं डिग करूं डिग डीप करूं वो आ, सुनने में अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड होता है लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हाट आर यू डूइंग टू सेव योरसेल्फ़ फ्रॉम दिस वेरी डिफ़िकल्ट टाइम इन अल्लाह हम सब की हिफाज़त करे जी फितने का दौर है अल्लाह हम सब को फितनों से बचाए जजाकला ख़ैर ब्रदर असल